बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज के वीडियो के अंतर्गत हम लोग हिंदी साहित्य के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हिंदी साहित्य में आपको पता होगा कि आपके पेपर का नाम क्या है, हिंदी काव्य। तो हिंदी काव्य में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं ये आप लोगों को पता हो चुका होगा, कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, जो कल की परीक्षा भी लगी हुई है उसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे उसको बताने का प्रयास, और साथ ही साथ एक रिवीजन के तौर पर पूरा का पूरा हिंदी साहित्य हम समझने का प्रयास करेंगे मात्र एक वीडियो में। रिवीजन क्लास के साथ ही साथ प्रश्न पत्र कैसे जो है मॉडल किया जाता है, कैसे सेट किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा, ये भी आपको इस वीडियो के अंतर्गत जानने को मिलेगा। तो इसमें जैसे कि इससे पहले हमने एक वीडियो और दे दिया है, उसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। कल हमने दी थी कॉपी लिखने की तरीके, हमने इसमें बताए हैं, 17 मिनट की वीडियो है, ये वीडियो अवश्य देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से अगर आप एग्जाम्स में कॉपी लिखेंगे तो आपके जो है नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। और इससे पहले हिंदी साहित्य का ये मॉडल पेपर आपके समक्ष हमने दे दिया है, और उससे पहले एक लिखित मॉडल पेपर दिया था वो भी, और ये भी लिखित मॉडल पेपर है, और आज भी जो मैं बताऊँगा ये लिखित मॉडल पेपर होगा। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव प्रकार से जो छात्र छात्राएं होंगे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सारे के सारे वीडियो करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हमने बहुत सारी जानकारी हर एक वीडियो में दी है। ओके, तो आज का वीडियो भी बहुत ही अच्छा होने वाला है आप लोगों के लिए, इसीलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और संस्कृत का जो है इसका भी आपको मॉडल पेपर जल्द ही मिल जाएगा, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। ओके, चलिए हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो हर मॉडल पेपर में हमने प्रश्नों को अलग अलग तरीके से रखने का प्रयास किया है ताकि आपके बहुत सारे प्रश्न तैयार हो जाएं, तो इसलिए कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम्स में न छूटे, यही मेरी उम्मीद है। और यही उम्मीद जो होगी आपकी जब परीक्षा दे करके आएंगे तो पेपर जो है आप देखिएगा कि सारे के सारे लगभग जो है हमारे 2-3 वीडियो में जो मॉडल पेपर हमने बनाया था उन्हीं से सारे के सारे प्रश्न आएंगे। चलिए तो रिवीजन के तौर पर हम चलेंगे, रामबाण वीडियो एक प्रकार से ये है। जियोग्राफी का पेपर आपका कैसा हुआ कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करेंगे। सैन्य विज्ञान का पेपर हुआ था वो मेरे पास है, उसको आप लोगों ने देखा होगा, यूट्यूब चैनल पर वीडियो अवेलेबल हो चुकी होगी। चलिए देखते भाई, बीए प्रथम सेमेस्टर हिंदी साहित्य, क्या बीए प्रथम सेमेस्टर हिंदी साहित्य, हिंदी काव्य मॉडल पेपर 2022 का है ये, और आने वाली परीक्षा 2023-24 इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लेक्चर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और जो है उत्तर इसमें हम बताने का प्रयास करेंगे। जब आप अपने पेपर खोलेंगे तो आपको लिखा मिलेगा आपके पेपर पर मेरे प्यारे दोस्तों, क्या लिखा मिलेगा कि सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिएगा, आपको पेपर में लिखा हुआ मिलेगा। इसके साथ ही साथ आपको ये देखने को मिलेगा आपके पेपर जो है खंड आ मिलेगा, खंड बा और खंड सा, 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ होगा। खंड आ में 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको दिखेंगे, 10 के 10 करने होंगे, अर्थात सभी प्रश्न करने होंगे आपको खंड आ के, और 50 शब्दों में एक प्रश्न के उत्तर आपको लिखना होगा। 2 नंबर एक प्रश्न करेंगे तो आपको मिलेगा, ये बात ध्यान रखेंगे, प्रत्येक प्रश्न का अंक जो होगा खंड आ के समान होगा 2-2 नंबर के। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे, तो ये आपसे एग्जाम्स में लिखेगा, आपको ऊपर ही मिलेगा। टाइम जो होगा आपको 3 घंटे का दिया जाएगा पेपर सॉल्व करने के लिए, और आपका जो पूर्णांक होता है वो 75 नंबर का रखा गया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए बात कर लेते हैं, पहला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न आ चुका है, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, वीडियो में मज़ा आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। पूरा का पूरा रिवीजन करवा दूंगा, जितना आप अभी तक आप लोगों ने पढ़ा, जितना पढ़ा, नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, आज पहला दिन आप पढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा यह वीडियो देखने के बाद में। चलिए एक बार सभी दोस्तों के पास अपने इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को सभी दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, ताकि सभी दोस्त, सभी भाई बंधु, सभी भाई बहनें हमारी जुड़ सकें और लाभ उठा सकें इसका। ओके, हिंदी साहित्य की बात की जाए तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन अलग अलग विद्वानों ने किया है, उसी श्रृंखला में आदिकाल के बारे में यहाँ से प्रश्न पूछा गया कि आदिकाल के अन्य 5 नाम लिखिए। प्रश्न क्या है कि आदिकाल के अन्य 5 नाम लिखिए। आदिकाल को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरीके से नाम दिया है, अब उसमें जो है आदिकाल के अन्य जो है 5 नाम आपसे लिखने के लिए पूछा गया, तो एग्जाम्स में पूछा सकता है, तो आप क्या लिखेंगे आदिकाल के जो है, जैसे कि आप लिख सकते हैं आदिकाल के और तमाम सारे नाम है, जैसे कि पहला वीर गाथा काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने ही कहा है वीर गाथा काल, और ही विद्वानों ने अलग अलग तरीके से कहा, ये इंपॉर्टेंट है किसने कहा। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा गया कि आदिकाल के अन्य 5 नाम लिखिए, तो पहला आप नाम लिखेंगे क्या,
वीर गाथा काल, दूसरा आपका कौन सा आदिकाल, आदिकाल तो हो ही गया आपका, लेकिन जो है आदिकाल को हम प्रारंभिक युग, मतलब कि आपसे पूछेगा प्रारंभिक युग के अन्य पांच नाम, या फिर आपसे पूछ ले आदिकाल के पांच अन्य नाम, तो आदिकाल छोड़ दीजिए। पहला आप लिखिएगा वीर गाथा काल लिख सकते हैं, दूसरा कौन सा काल हो जाएगा भाई, इसी को चारण काल भी कहा जाता है आदिकाल को, और तीसरी बात यह है कि आदिकाल को ही संधि काल के नाम से जाना जाता है, और पांचवी मतलब कि चौथी बात यह है कि इसको सिद्ध सामंत काल के नाम से भी जाना जाता है आदिकाल को, और पांचवा और क्या लिख सकते हैं आप, अंधकार काल, किसके नाम से भाई, अंधकार काल के नाम से जाना जाता है। तो ये आदिकाल के कुछ जो है इम्पोर्टेंट नाम जो थे जो हमने आपको बता दिए। अब आगे कुछ और भी एग्जाम से मान लेते हैं प्रश्न आपसे पूछा जाए आदिकाल को लेकर के, एग्जाम से बहुत सारे प्रश्न और भी बन सकते हैं कि आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का विश्लेषण करें। तो आदिकाल की जब भी विशेषताओं को या फिर प्रवृत्तियों को पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे हेडिंग में, मैं हेडिंग आपको बता दे रहा हूँ, आप आसानी से मतलब हेडिंग क्या बहुत जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये हेडिंग भी लिख सकते हैं, और इसके बारे में आप थोड़ी बहुत बातें भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं। पहली बात क्या है भाई, वीर गाथा काल की बात की जाए या आदिकाल की बात की जाए हिंदी साहित्य में, तो आदिकाल जो समय सीमा इसकी है वो 1000 से लगभग मानी जाती है, सन 1000 से लेकर के 1375 का जो समय काल है, इस भी सन मैं बता रहा हूँ, तो ये आपका समय माना जाता है किसका, आदिकाल का। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जी जो संबत में उनकी बुक में लिखा होता है, तो संबत जो होता है, संबत जो होता है ये विक्रम संबत है, किसका संबत है भाई, विक्रम संबत है, विक्रमादित्य के जो है जन्म से जो है प्रारंभ होता है। तो कहने का मतलब ये कि विक्रम संबत को अगर आपको सन में बदलना होता है, अर्थात ईस्वी सन में आपको बदलना होता है, ईस्वी में बदलना होता है किसको, विक्रमी को ईस्वी में बदलना होता है, तो 57 लेस कर देते हैं, मान लेते हैं 1700 जो है 57 लिखा है, तो ये विक्रम संबत का 1757 विक्रमी लिखा है, तो इनमें से 57 आप लेस कर देंगे, अर्थात 1700 जो है जिस समय 1700 ईस्वी चल रही है वही समय 1757 की विक्रमी चल रही है। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आदिकाल की बात की जाए तो आदिकाल की सबसे जो प्रमुख विशेषता है, पहली विशेषता आप लिख सकते हो वीर काव्यों की रचना यहाँ पर हुआ करती थी, किसकी भाई, तो वीर काव्यों की रचना। दूसरी बात क्या, लौकिक साहित्य की रचना भी हुई है यहाँ पर, जैसे कि ढोला मारू रो उहा, ये सारी की सारी रचनाएं। तो यहाँ पर आप देखेंगे आदिकालीन साहित्य में मुख्यतः लौकिक और साथ ही साथ धार्मिक साहित्य भी लिखे गए, तो आप ये बता सकते हैं कि तीसरी विशेषता कि धार्मिक साहित्य की रचना हुई है यहाँ पर, ठीक, ये आप लिख सकते हैं, क्लियर होगी बातें। अब वीर काव्य में आप देखेंगे चंद्रबरदाई का, पृथ्वीराज रासो, जगनिक कालखंड, ये सब इसके उदाहरण हैं। अब जैसे कि 12 वर्ष ले कुकर जीवे और 16 ले जीवे सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार, या इसी प्रकार से आगे भी वीर गाथा काल में तमाम सारे सुनेंगे कि जो है जाकर बिटिया सुंदर देखें जबरन ब्याह ले करवाए, धय दो डोला समर खेत मजे जीते तेले उठाए, इसी प्रकार से तमाम सारी लोग जो है जो एक प्रकार से जो लोक गीत में आती है, कहने का मतलब ये है कि जो लोग कहते हैं आल्हा जो है गाते हैं गांव वगैरह में आप खास करके देखेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें गाई जाती हैं कि जो है हाथ पटक दें भुईमा जो तुम नौमन माटी लिए उठाए, रिम झिम भाला बरसे वह मैदानन के बीच मझाए, इस प्रकार से तमाम सारे जो है पंक्तियाँ फेमस है, आप गाँव में देखेंगे तो बहुत सारे लोग इसे गाते रहते हैं। तो ये होता है एक प्रकार से वीर काव्यों की रचना हुई यहाँ पर, ठीक। और तीसरी बात चौथी बात यहाँ पर लिख सकते हो भाई, ऐतिहासिक काव्यों की यहाँ पर रचना हुई, किसकी, ऐतिहासिक काव्यों की रचना। ऐतिहासिक काव्य में जैसे कि दलपत विजय हो गई, खुमार नासो ने लिखा है, ठीक है, दलपत विजय जो है, उसके बाद में चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, ये भी ऐतिहासिक काव्य है, सारंगधर हमीर रासो, ठीक है, हमीर रासो, और उसके बाद जो है नल सिंह ने विजय पाल रासो, ये सब लिखा, सॉरी हाँ, तो सारंगधर ने क्या लिखा, हमीर रासो रचना लिखी, खुमान रासो जो है काव्य, खुमान रासो किसने लिखा भाई, खुमान रासो की रचयिता कौन है, दलपत विजय खुमान रासो लिखे, चंद्रबरदाई ने लिखा भाई क्या, पृथ्वीराज रासो, सारंगधर की रचना है हमीर रासो, नल सिंह की रचना विजय पाल रासो, ये सारे के सारे कैसे हैं भाई, प्रबंध काव्य हैं और साथ ही साथ ये ऐतिहासिक काव्य हैं। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे, तो ये इसकी विशेषताएं आप लिख सकते हैं। ओके, ये सब विशेषताएं अगर आप लिख दीजिएगा तो एग्जाम में आपका हो जाएगा, वहीं आपसे पूछेगा एग्जाम में प्रश्न पूछे कि जो है भक्ति काल की विशेषताएं बताइए। अभी सारी की सारी चीज़ें सुन लीजिए, अब यहीं पर मैं सारे आदिकाल की विशेषता हमने बता दी, अब भक्ति काल की विशेषता बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं रीति काल की बता दूँ, इसके बाद में मैं सभी काल के विशेषताओं को आपको जो है शॉर्ट में ऐसे बता दूँ ताकि आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाए। अगर प्रवृत्तियों को लेकर के विशेषताओं को लेकर के कालखंड से पूछा जाए तो आप आसानी से उसके उत्तर लिख सकें। ओके, दूसरी बात विशेषता दूसरा कौन सा आपके भक्तिकाल, आदिकाल के बाद में कौन सा काल आता है आपका भक्तिकाल, भक्तिकाल की बात की है तो समान प्रवृत्तियां कौन कौन सी रही हैं,
भक्ति काल की बात की जाए तो पहली विशेषता इसकी लिखेंगे भाई क्या, भगवान के नाम की महत्ता यहाँ पर दी जाती है। लगभग सभी देखें, चाहे निर्गुण हो चाहे सगुण भक्ति शाखा के हों, सभी लोग भगवान के नाम की महत्ता दिया करते हैं यहाँ पर, कि कलयुग केवल नाम आधारा। तुलसीदास जी की पंक्ति है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। दूसरी बात यह है इसकी विशेषता, गुरु की महत्ता इसमें बताई गई। किसमें? गुरु की महत्ता आप लिखेंगे, ये विशेषताएं हैं। उसमें अगर आप एक पंक्तियां लिखना चाहें तो कबीरदास की बड़ी फेमस पंक्ति है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। ये आप लिख सकते हैं बड़े ही आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या फिर जायसी ने भी एक कथन कहा है कि गुरु सुआ जहि पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। या इसी प्रकार से तुलसीदास जी की बात की है तो तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि जो है जब तक गुरु मिले नहीं साँचा, तब तक गुरु करो दस पाँचा। तो ये तमाम सारी बातें जो है ये गुरु की महत्ता का जो है एक प्रकार से द्योतक है, उसका उदाहरण में लिख सकते हैं। तीसरी विशेषता है भक्ति काल की कौन सी? भगवत प्रेम की जिज्ञासा रही है। चौथी विशेषता इसमें आप लिखेंगे क्या? रहस्यवादी भावना भी भरी हुई है। क्योंकि रहस्यवादी भावना में बात की जाए तो कबीर का नाम सबसे आगे आता है, और कबीरदास चूँकि भक्ति काल के ही प्रेमा सर जो ज्ञानासरी शाखा है उसके प्रवर्तक कवि कबीरदास ही हैं। और कबीरदास की एक पंक्ति बड़ी फेमस है रहस्यवाद की कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना यह तत् कहे ज्ञानी। कहने का मतलब ये है कि जल में कुंभ है और कुंभ में भी जल भरा हुआ, कुंभ माने होता घड़ा, घड़े में भी पानी भरा हुआ, और वो घड़ा किस में है? समुद्र में पड़ा हुआ है या फिर जल में पड़ा हुआ है, और बाहर भीतर पानी अर्थात घड़े के भीतर भी पानी है और घड़े के बाहर भी पानी है, और फूटा कुंभ जल जल समाना, जब जो है घड़ा फूट जाता है तो जो घड़े का पानी है वो उसी समुद्र के पानी में मिल जाता है, विलीन हो जाता है। और यह तत् कहें सभी ज्ञानी, मतलब कि ये बातें सभी ज्ञानी लोग बताते हैं। इसमें रहस्यवाद ये है, रहस्यवाद का मतलब ये है कि लिखा तो कुछ और है, कुंभ और जल की बात हो रही है लेकिन इसके माध्यम से कहीं ना कहीं पे ईश्वर और आत्मा अर्थात परमात्मा और आत्मा की जो है मिलन को दर्शाया गया है, कि आत्मा जो होती है वो जो है परमात्मा का ही एक अंश होती है, और ये आत्मा एक ना एक दिन वो जो है उसी परमात्मा में विलीन हो जाती है, अर्थात परमात्मा रूपी सागर में जो है एक प्रकार से घड़ा रूपी एक प्रकार से शरीर में जो जल रूपी एक प्रकार से परमात्मा का मतलब कि परमात्मा रूपी जल के ही थोड़े से अंश को उस कुंभ में भरा हुआ है, लेकिन कुंभ एक प्रकार से शरीर का जर्दा मात्र समझ लीजिए कि शरीर का एक प्रकार से आवरण ढका हुआ है। जैसे शरीर से आत्मा अलग होगी वैसे परमात्मा में मिल जाएगी, जिस प्रकार से कुंभ का जल जब फूटेगा तो उस प्रकार से सागर के जल में ही मिल जाएगा, जिस जैसे जहां से वो आया था। ठीक, तो ये बात है यहां पर रहस्य बात। पांचवी बात इसकी क्या है भाई? पांचवी बात है कि जो है भक्त भगवान का तदात्म्य यहाँ पर बैठाया गया अच्छे तरीके से। जैसे कि इसमें कबीरदास का एक पंक्तियाँ फेमस हैं कि कबीर कूता राम का मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तितताव। मतलब कि मैं कबीर कबीर कहते हैं कि मैं राम के जो है कुत्ते के समान हूँ, मैं राम जी के जो है समक्ष मैं कुत्ते के समान हूँ, मैं उनका कुत्ता हूँ जिसका मेरा मतलब कि मेरा नाम क्या है? मोती। मतलब कि कबीर कुता राम का मोतिया मेरा नाव, कहने का मतलब है कि मोती जो है मेरा नाम है, मैं ऐसा कुत्ता हूँ राम का जिसका मेरा नाम क्या है भाई? मोती है। और मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी, मतलब कि राम नाम की जो माला है या राम नाम की जो एक प्रकार से जेवड़ी माने होता है पट्टा, तो जिस प्रकार से कुत्ते के गले में उसके मालिक का पट्टा पड़ा रहता है और जिधर चाहता है उधर वो मालिक उस कुत्ते को ले जाता है, ठीक इसी प्रकार से राम के नाम की डोरी या रस्सी हमारे गले में पड़ी हुई है, जिधर वो कहते हैं या फिर जिधर वो चाहेंगे उधर ही हम चलेंगे। इस प्रकार से जिस प्रकार से कुत्ता होता है अपने मालिक के सारों पर चलता है, ये कबीर कूता राम का मोतिया मेरा नाव, गले राम की जीवड़ी जित खींचे तित जाऊं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपकी। छठवीं विशेषता आप लिख सकते हैं कि अहंकार का प्रत्याग यहाँ पर किया गया भक्ति काल में, ये भी एक विशेषता है। अहंकार का प्रत्याग को लेकर के एक आप उदाहरण दे सकते हैं अच्छे तरीके से, कबीर का ही एक उदाहरण है कि जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी या में दो न समाही। कहने का मतलब यह है कि जब मैं था, मैं माने होता अहंकार, कि जब मैं था तब हरि नहीं, मेरे प्यारे दोस्तों क्या कहा कि जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि है मैं नाही, अर्थात जब मैं अर्थात अहंकार जब था तब जो है हरि नहीं, तब भगवान नहीं आ सकते जहाँ पर अहंकार होगा, और जब हरि आ जाएंगे तो अहंकार नहीं आ जाएगा। अब हरि है मैं नाही, अब हरि है और मैं अर्थात अहंकार नहीं है।
और प्रेम गली इतनी साकरी या में दोनों समाए। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम की गली इतनी साकरी है, इतनी पतली है, इतनी छोटी है कि उसमें दो नहीं समा सकते। अर्थात अगर अहंकार रहेगा तो भगवान नहीं आएंगे, अगर आपके अंदर भगवान का वास है तो आपके अंदर अहंकार नहीं आएगा, और आएगा भी तो भगवान का ही भोजन होता है अहंकार, वो उसका भक्षण कर लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये आप समझ करके चलिएगा, छठी बात हो गई। सातवीं विशेषता भक्ति काल की कौन सी है? सांसारिक मोह माया के प्रति जो है विराग रखा गया है। जैसे कि कबीरदास कहते हैं कि माया महाठगिन हम जानी, ठीक, कि माया जो है क्या है, महाठगिनी है, हमको ठगने वाली है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि मोह सकल व्याधिन के मूला, कि मोह से सारे के सारे जो व्याधियां होती, सारे के सारे कष्ट जो होते हैं वो मोह के परिणाम स्वरूप ही होते हैं। ठीक इसी प्रकार से आठवीं बात विरह भावना आप लिख सकते हैं। तो ये विशेषताएँ थी इसकी जो कि हमने बता दी भक्ति काल की। अगर खास करके आपसे पूछे कि संत साहित्य की विशेषताएँ बताइए, संत साहित्य में कौन आते हैं भाई, कबीरदास वाला पूरा का पूरा। तो कबीरदास में संत काव्यधारा की विशेषताएँ पूछे तो पहली विशेषता निर्गुण ब्रह्म की उपासना की जाती थी संत काव्यधारा में, ठीक। और निर्गुण ब्रह्म की उपासना में एक जो है कबीरदास कहते हैं कि जाके मुँह माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप, अपूहूप बास ते पातरा ऐसा तत्व अनूप। ओके, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढ है बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाही। मतलब कि सभी स्थानों पर राम हैं लेकिन लोग जो है इधर उधर भटक रहे हैं, ये बताया। और दूसरी बात इसकी विशेषता ये है संत काव्यधारा की कि बाह्य आडंबरों का पूर्ण रूप से खंडन किया गया। और कबीरदास कहते हैं साफ शब्दों में कि जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। आगे कहते हैं कि एक ज्योति, क्या कहा कबीर ने कि एक ज्योति ते सब उत्पन्ना को बाभन को सूदा, मतलब कि एक ज्योति से सारे के सारे जो है मनुष्य बने हुए हैं तो उसमें कौन ब्राह्मण और कौन शूद्र, ये बताया उन्होंने, ठीक। और तीसरी विशेषता संत काव्यधारा की रही है अंतस्थ साधना पर बल दिया है इन लोगों ने। किस पर? अंतस्थ साधना पर बल दिया है, ठीक। और कहा क्या इसको लेकर के कबीर ने, बाह्य आडंबरों का खंडन किया और आत्मा की शुद्धि को रेखांकित करते हुए अंतस्थ साधना पर बल दिया। और कहा क्या, कहा कि माला फेरत युग भया, क्या कहा, माला फेरत युग भया, फिरा ना मन का फेर, और कर का मन का डारते मन का फेर, ये कहा। और आगे भी कहा कि पोथी पढ़ पढ़े जग मुआ, पंडित भया न कोई, और ढाई अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये इसका अर्थ तो सभी को पता ही होगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं इसको समझाने के लिए, ठीक। तो इस क्लियर हो गई। तो मतलब कि पोथी पढ़ पढ़ की सभी लोग पंडित तो जो है, मतलब पोथी तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं लेकिन पंडित अर्थात ज्ञानी कोई नहीं हुआ। और ज्ञानी कौन व्यक्ति होता है जो कि ढाई अखर प्रेम का, प्रेम का जो ढाई अखर है अर्थात राम का नाम अगर जो पढ़ ले वही पंडित हो जाता है। जो ढाई अखर प्रेम का जान ले वही क्या हो जाता है, वही आपका पंडित हो जाता है, वही ज्ञानी हो जाता है। चौथी विशेषता है संत काव्यधारा की अहिंसा पर बल दिया गया इसमें। किस पर? अहिंसा पर बल दिया गया है। आप जो है तुलसी कबीरदास कहते हैं इसको लेकर के कि दिन भर रोजा रहत है मुसलमानों पर व्यंकारा, कि दिन भर रोजा रहत हैं और रात हनत हैं गाय, कि दिन भर जो है रोजा अर्थात जो है व्रत रहते हैं और रात में हनत गाय है, मतलब कि गाय को हनते हैं, मतलब गाय को क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, गाय को काटते हैं, गाय को मारते हैं। और यह तो खून वह बंदगी, यह तो खून वह बंदगी कैसे जो है खुशी खुदाए, मतलब एक तरफ तो आप खून कर रहे हो दूसरी तरफ आप बंदगी कर रहे हो तो कैसे जो है खुशी हो जाएगा आपका खुदा। ये मुसलमानों पर व्यंग किया कबीरदास ने। तो कुल मिलाकर कबीरदास रहस्यवादी भावना से जो है प्रेरित, मतलब रहस्यवादी भावना से एक प्रकार से उनके अंदर भरी हुई थी, और साथ ही साथ उनके अंदर हर जो चीज़ गलत होती थी उसको धड़ल्ले के साथ बोलते थे, बिना डरे बिना जो है इधर उधर की बात किए हुए सीधे बोलते थे। ओके, और भी आगे कहते हैं कि बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल, कि बकरी पाती खात है कि बकरी जो होती पत्ती खाती है ताकि काढ़ी खाल, और उस बकरी जो कि पत्ती खाती है उसकी आपने खाल को जो है काढ़ लिया, काढ़ी माने होता है निकाल करके, आपने उसकी खाल को निकाल लिया, और जो नर बकरी खात है मतलब कि उसकी बकरी जो खाल वगैरह बची या फिर जो कुछ खाया जाता है, मुझे तो उतना ज़्यादा आइडिया नहीं क्या खाया जाता है, तो जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल, कि अगर आप बकरी जो है वो पत्ती केवल खाती है जिसमें किसी की हानि नहीं है तो उसकी जो है खाल काढ़ी जाती है अर्थात तो उसके चमड़े को जो है खलियाया जाता है, खलियाया मतलब कि जो है एक प्रकार से उसका चमड़ा निकाला जाता है, और उसका बड़ी दुर्दशा होती है, खलियाना को बड़ी दुर्दशा कहते हैं, ठीक है, खास करके।
और अब कहते हैं कबीरदास कि जो नर बकरी खाते हैं और जो व्यक्ति बकरी को ही खा लेते हैं उनका क्या हाल होगा, जब बकरी पत्ती खाती तो उसका ये हाल है कि उसको खलियाना पड़ रहा है, मतलब उसको उसकी चमड़े को जो है एक प्रकार से काढ़ा जा रहा है, तो ऐसे मतलब उसको जो है उसका उसको पापमय मतलब कि खलियाने को मतलब कि क्या कहते हैं कि जिंदे पर ही क्या निकाल लिया था चमड़ा ऐसे कुछ कर करके ये होता है। तो काढ़ी खाल मतलब कि उसकी काल कट रही है और जो नर बकरी खाएंगे उनका क्या हाल होगा, ये कबीरदास ने कहा। पांचवी बात भाई क्या होती है विशेषता इसकी, पांचवी बात विशेषता है आपकी संत काव्यधारा की कि संसार की आसक्ता का निरूपण किया गया है और कहा गया कबीरदास ने कहा क्या कहा भाई कि ऐसा यह संसार है जैसा सेमर फूल और दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल, मतलब कि ऐसा यह संसार है जैसे सेमर फूल, जिस प्रकार से सेमल का फूल होता है सेमर का ठीक उसी प्रकार से चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, मतलब कि वही वाली हाल है कि बस थोड़े दिन की ज़िंदगी ही इसमें फिर दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल, मतलब जो है इधर उधर की बातें ना करें, मतलब कि और ज़्यादा मतलब आपस में समन्वय बनाए रखें, ना झगड़ा करें ना लड़ाई करें कोई, या फिर कोई मतलब कि ऐसा काम ना करें जिसको कि मतलब कि भाई कोई मिलेगा नहीं फिर आगे चल करके कौन मिले कौन ना मिले क्या हो क्या ना हो, ये कई प्रकार की बातें हैं। तो ये चीज़ें बताई। छठवीं बात इसकी विशेषता ये है कि गुरु महिमा का निरूपण किया गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाओ बलिहारी गुण अपने आप गोविंद दियो बताए, ये लिख सकते हैं आप। साथ ही साथ राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाही और क्या लय गुरु संतोष निये हौस रही मन माही, ये लिख सकते हैं। सातवीं बात क्या है भाई कि नाम की महत्व का वर्णन भी इसमें किया गया है, जैसा कि हमने पहले भी बताया भक्ति काल में कि कबीर कोता राम का मोतिया मेरा नाव गले नाव की जो है गले नाव की जीवड़ी या गले राम की जीवड़ी जित खींचते थे ताव, ये सब आप बता सकते हैं आसानी से। आगे अगर आप बढ़ेंगे तो आगे हम आपको अब संत काव्यधारा हो गई आपकी, अब भक्ति काल के में ही बात की जाए तो निर्गुण ज्ञानासरणी शाखा की कभी कभी आपसे एग्जाम से अगर पूछ ले जो है विशेषता तो क्या बताएंगे, इसमें आप बताएंगे कि जो है संत काव्य की कई विशेषताएं हैं इसमें, तो संत काव्यधारा की कई विशेषताएं हैं निर्गुण ज्ञानासरणी में संत काव्यधारा की, संत काव्यधारा की विशेषताएं हमने तो आपको बता ही दी। और आगे कौन सी आएगी आपकी संत काव्यधारा के बाद में, अगर कृष्ण भक्त शाखा की पूछे कृष्ण भक्त शाखा की विशेषता खासकर पूछे भक्ति काल में पूछी आती रही एग्जाम से प्रश्न आए हैं तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको भी बता दूँ आपको। तो कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ की बात की जाए तो आप लिखे पहली विशेषता कृष्ण लीला का वर्णन किया गया, क्या कृष्ण की लीला का वर्णन किया गया है। दूसरी विशेषता क्या भाई कि कथा वस्तु में मौलिक उद्भावना यहाँ पर आप देख सकते हैं। तीसरी बात इसमें विशेषता है कृष्ण भक्ति का कि जो है पात्र एवं चरित्र चित्रण इसमें सही तरीके से है, पात्र एवं चरित्र चित्रण जो है कृष्ण भक्ति काव्यों का प्रत्येक पात्र एक एक भाव का प्रतीक होता है, अच्छाई और बुराई के रूप में मिश्रित भावों का नहीं होता है और कृष्ण संपूर्ण भावों के द्योतक हैं और अन्य पात्र क्रमशः यथा निर्दिष्ट भावों के प्रतीक हैं, जैसे कि राधा जो इसमें देखेंगे आप राधा जी तो वो माधुर्य के प्रतीक हैं और यशोदा जी वात्सल्य के प्रतीक हैं और उसके बाद में जो गोपियाँ हैं वो साख्य का प्रतीक है, मतलब कि साख्य भाव का प्रतीक है गोपियाँ राधा माधुर्य का और यशोदा जो है वात्सल्य भाव का। तो ये एक प्रकार से इसमें पात्र एवं चित्रण के बारे में कुछ बातें लिख सकते हैं। चौथी विशेषता है प्रवृत्ति है जो है उसकी कृष्ण भक्त शाखा की प्रकृति चित्रण इसमें किया गया है, ठीक क्या प्रकृति चित्रण किया गया है कि जो है मायरी चंद लाग्यो दुख दैन और कहाँ वो देश कहाँ मन मोहन कहाँ सुख की रैन और तारे गिनत गई रे सब निसी नेक न लागे नैन परमानंद प्रभु प्रिय बिछुरे ते पल न परत चित चैन, ये सूरदास जी की पंक्तियाँ हैं तो ये लिख सकते हैं आप। पांचवी बात है भाई कि भक्ति भावना भी इसमें आप देखेंगे, श्रवण कीर्तन स्मरण पादरत आचरण बंधन दास साख्य और आत्मनिवेदन प्रेम लक्षण जास, ये आप देखेंगे ये जो है एक प्रकार से जो है वल्लभाचार्य ने भक्ति के नौ विधानों के अतिरिक्त प्रेम लक्षणा भक्ति की दसवीं विधा आत्मनिवेदन का विधान भी किया और इस प्रकार से जो हमने अभी भी पढ़ा वो चीज़ आपके समझे ओके। छठवीं विशेषता है आपकी इसकी काव्य रूप इसकी विशेषता है और सातवीं विशेषता होती है रस योजना की ओके। और आप भी और तमाम सारी विशेषताएं लिख सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, शैली भी इसकी ठीक ठाक है, छंद योजना भी ठीक ठाक है, छंद में भी देखेंगे आप इसमें जो है चौपाई छंद का प्रयोग दोहा का भी प्रयोग हुआ है रोला छंद का प्रयोग गे पदों का अधिकांश प्रयोग यहाँ पर मिलेगा साखी तोमर हर गीत का जो है मत सवैया इन सभी छंदों का प्रयोग जो है कृष्ण भक्त शाखा में मिलेगा। शैली की बात की जाए तो शैली में भी कई प्रकार की शैलियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं ओके, ये बात क्लियर हो गई आपकी।
अलंकार विधान में आप देखेंगे तो कृष्ण भक्त शाखा में अलंकार में जो है बात की जाए कृष्ण भक्ति जो है कवियों में तो अलंकारों का स्वाभाविक विधान मिलता है, और साथ ही साथ इनमें अलंकार देखेंगे तो उपमा अलंकार उत्प्रेक्षा रूपक इन सभी अलंकारों की पुष्टि होती है। भाषा की बात की जाए तो पारनिष्ठित एवं पारिष्कृत शुद्ध ब्रज भाषा का प्रयोग जो है कृष्ण भक्ति शाखा में किया जा रहा था। तो ये चीज़ें क्लियर होगी कृष्ण भक्ति शाखा की। बात की जाए अगर राम भक्ति शाखा की तो राम भक्ति शाखा की बात की जाए तो राम भक्ति शाखा की कुछ प्रवृत्तियाँ को आपको बता दें ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। वैसे रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में दीक्षित रामानंद जी ने समस्त उत्तर भारत में राम भक्ति की लहर प्रवाहित करी और उनका प्रादुर्भाव 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था। वे विशिष्टाद्वैतवाद को मानने वाले थे, कौन? रामानुजाचार्य। किंतु इससे संतुष्ट ना होकर के उन्होंने राम आंदोलन प्रारंभ कर दिया और उन्हीं से राम की दीक्षा पाकर के कबीर ने निर्गुण भक्ति शाखा का प्रवर्तन किया। राम भक्ति शाखा के सबसे बड़े समर्थक कौन है भाई? तो तुलसीदास जी हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, भक्ति में लोक संग्रह की भावना सबसे पहले रामानंद जी में अंकुरित हुई जिसका पल्लवित रूप गोस्वामी बाबा जी के मतलब कि तुलसीदास जी में मिलता है और इस धारा का अध्ययन मूलतः तुलसीदास में ही केंद्रित है। अगर आपकी तुलसीदास जी की प्रमुख प्रवृत्तियाँ मतलब कि तुलसीदास के काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों को आप जान लें तो जान जाइए कि हाँ आपने राम भक्ति शाखा की प्रमुख प्रवृत्ति ऊपर प्रकाश डाल दिया। ओके, पहली बात यह है कि भाई राम भक्त शाखा की जो पहली विशेषता है वो कौन सी है? राम का स्वरूप, मतलब कि यहाँ पर राम को ब्रह्म के रूप में देखा गया है। उन्होंने कहा, तुलसीदास जी ने कहा, क्या कहा? सगुण एवं निर्गुण दोनों रूपों का समन्वय स्वीकार करते हुए भगवान मतलब कि गोस्वामी बाबा ने भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में कहा कि ही निर्गुण नयन निसगुणी रसना नाम सुनाम मनहु पुरट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के शब्दों में हम कह सकते हैं कि राजनीति की जटिल परिस्थितियों में धर्म की भावना जिस प्रकार उत्थान कर सकती थी वह राम काव्य ने स्पष्ट कर दिया। जिस समय मुगलों का एक प्रकार से आक्रमण खूब अच्छे तरीके से था और लगातार शासन हो रहा था मुगलों का, उस समय पूरा का पूरी जो भारतीय संस्कृति थी वो पूर्ण रूप से खतरे में थी, हिंदू धर्म खासकर पूरा का पूरा खतरे में था। उस समय गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने एक प्रकार से बात किया तो हिंदुओं के अंदर थोड़ी सी जो भावना थी जो थोड़ी सी बची हुई थी उसको बहुत चरम स्तर तक आगे बढ़ाया और बहुत अच्छा कार्य किया। ओके, और आज इनकी रचना आप देखेंगे श्री रामचरितमानस पूरे के पूरे संसार में व्याप्त है और दुनिया के 10 महाकाव्यों में से अग्रणी स्थान रखने वाला श्री रामचरितमानस ही है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आगे दूसरी विशेषता इसकी है समन्वय भावना, तो मतलब कि तुलसीदास जी की है और राम का जो है काव्य की प्रमुख विशेषता व्यापक समन्वय की भावना भी है। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसमें राम जी के साथ साथ कृष्ण भगवान के बारे में, शिव जी के बारे में, गणेश जी के बारे में, सभी देवताओं की स्तुति परंपरा भी मिलती है। जैसे कि तुलसीदास जी ही जब रामायण की रचना करते हैं तो रामचरितमानस लिखते हैं तो शुरुआत में ही सबसे पहला जो श्लोक आता है उसका वर्णाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारो बंदे वाणी विनायको। आप सोचिए बंदे वाणी विनायको, वाणी माने सरस्वती माता, विनायको माने विनायक अर्थात गणेश भगवान। मैं उन जो है वाणी और गणेश भगवान की प्रार्थना करता हूँ जो कि सभी कार्य में सबसे पहले जिनका नाम लिया आता है। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी ने लिखा। अब आप सोचें रामचरितमानस तो उसमें समन्वयात्मक भावना है जो है, इसी समन्वयात्मक भावना को जो है लिखते हुए तुलसीदास जी ने जो है सेतुबंध के अवसर पर राम जी के द्वारा शिव का पूजन करवाया है तथा एक श्लोक में राम के मुख से भी कहलवाया कि शिवद्रोही मम दास कहावा सो नर सपन्यो मोहिन पा भावा, कि जो शिव भगवान अर्थात शंकर का द्रोही होगा वो मेरा, मेरे प्यारे दोस्तों जो एक प्रकार से शिव जी का द्रोही है वो भले ही मेरा क्यों ना क्यों दास हो, कि मतलब कि वो मुझे बहुत ज़्यादा पूजा करे मेरी। भगवान राम कहते हैं कि कोई शिव भगवान का दो मतलब कि एक प्रकार से दुश्मन हो और मेरी पूजा भले ही कितना ना क्यों कर ले लेकिन वो सपने में भी वो व्यक्ति सुख नहीं प्राप्त कर सकता, ये राम जी कहते हैं। ओके, तीसरी विशेषता है राम भक्त शाखा की कि लोक संग्रह की भावना इसमें है। चौथी बात ये है कि भाई भक्ति का स्वरूप इसमें जो है आप देख सकते हैं, भक्ति का स्वरूप इसमें है कि क्या? जोग जग जप तप जत कीन्हा प्राप्रभ कहु दे भगत बर लीन्हा प्रीत राम सो नीत पथ चले राम रस जीति राग रस जीत तुलसी संतन के मते यह भक्त की रीति। इसमें आप देखेंगे राम भक्त शाखा में तो रस योजना भी ठीक ठाक मात्रा में आप देख सकते हैं। छठवीं विशेषता आप लिख सकते हैं पात्र तथा चरित्र चित्रण।
और जो है सातवीं विशेषता काव्य शैली की है। काव्य शैली की बात की जाए तो इसमें दोहा चौपाई वाले जो है चरित्र काव्य लिखे गए, कवित्त सवैया भी लिखी गई है राम भक्त काव्य में, और दोहा में अध्यात्म और धर्म नीति के उपदेश भी दिए गए हैं। बरवे छंद में बरवे रामायण की रचना भी हुई, सोरहर छंद लिखा गया, विनय के पद भी हैं, लीला के पद हैं, वीर काव्यों के लिए उपयोगी छप्पे तोमर नाराज इन सभी पद्धति का भी प्रयोग किया गया है, और दोहों में सगुण विचार भी दिया गया है, मंगल काव्य भी यहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक, आठवीं विशेषता इसकी है भाई कि छंद योजना भी इसकी ठीक ठाक है। ओके, छंद योजना में आप देखेंगे तो बहुत सारे छंद है, दोहा और चौपाई का प्रचुर मात्रा में प्रयोग होता है, लेकिन इसके बाद में छप्पे हो गया, कुंडलिया हो गया, सोरठा, सवैया, घनाक्षरी, तोमर, तिरभंगी इन सभी छंदों का भी प्रयोग हुआ है। गोस्वामी जी ने मानस में दोहा और चौपाई छंदों की प्रधानता को अपनाया है, और रीतिकाल के आचार्य केशवदास ने रामचंद्रिका में भी विभिन्न छंदों का प्रयोग किया है। नवीं विशेषता इसकी है अलंकार योजना। अलंकारों में आप देखेंगे तो राम काव्य की प्रणेता राम भक्त कवियों ने अलंकार की अवहेलना नहीं की है, और बात की जाए अलंकारों की तो अलंकारों में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार इन सभी का प्रयोग अच्छे तरीके से किया है। और खास करके बात की जाए भाषा की तो भाषा यहाँ की कैसी रही भाई, तो राम काव्य की जो प्रमुख भाषा रही है, मुख्य भाषा रही है, वो अवधी ही रही, चूँकि भगवान श्री राम कहाँ के हैं, अवध प्रांत के ही हैं। आप देखेंगे जो है तुलसीदास जी की विनय पत्रिका हो गई, रामचरितमानस हो गई, आचार्य केशव की रामचंद्रिका, मतलब की विनय पत्रिका और रामचंद्रिका में ब्रज का प्रयोग किया गया है। और कहने का तात्पर्य यह है कि राम काव्य प्रणेता भक्त कवियों ने अवधी एवं ब्रज दोनों भाषाओं में काव्यों की रचना की, किंतु प्रधानता जो रही वो जो है वो अवधी की रही है, विनय पात्रिका और रामचंद्रिका। रामचंद्रिका केशव की है, विनय पात्रिका तुलसीदास जी की है, लेकिन दोनों रचनाएं ये कैसी ब्रज भाषा में, बाकी रचनाएं अधिकतर आप देखेंगे तो किस में है भाई, अवधी भाषा में है। और स्थल अथर पर आप देखेंगे तो भोजपुरी, राजस्थानी, बुंदेलखंडी, संस्कृत, पारसी और इन सभी के शब्दों का प्रयोग जो है उनमें आया है, ये बात आप बता सकते हैं। इतनी सारी विशेषता आप राम भक्त शाखा की समझ लीजिए। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछ सकता है, तो हालांकि रीतिकाल की कई प्रवृत्तियां हैं, और रीतिकाल में क्या होता था भाई जो है रीतिकाल की बात की जाए तो रीतिकाल में आप देखेंगे रीतिकाल की कई प्रवृत्तियां हैं। अब अलग अलग तरीके से रीतिबद्ध काव्य शाखा है, रीतिमुक्त है, और रीति सिद्ध काव्य शाखा है, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रवृत्तियां जो है सबकी रही हैं। ठीक, उसमें बात की जाए खास करके रीति की, रीति काव्य की, तो रीति जो है काव्य की में जैसे कि केशवदास हो गए, भूषण हो गए, चिंतामणि हो गए, देव हो गए, बिहारी हो गए, ये सब रीति काल के कवि हैं। और जो है साथ ही साथ रीति काव्य में जो है रीति काव्य की विशेषताओं में बात की जाए तो अगली वीडियो में हमने आपको बताया था जैसे कि श्रृंगार की प्रधानता हो गई, और अलंकारिकता हो गई, और मुक्तक शैली का प्रयोग हो गया, नारी का प्रेयसी रूप में चित्रण हो गया, ये सब रीतिकाल की खास करके विशेषताएँ हैं। ठीक, रीतिकाल में रामचंद्रिका, बिहारी सत्सई, ये सब महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण रचनाएँ आप देखेंगे लिखी गई। ओके, तो ये सब क्लियर हो गई बातें, क्लियर हो गई बातें। वहीं अगर आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि भारतेंदु युग की जो है, या भारतेंदु साहित्य की, या भारतेंदु युगीन साहित्य की विशेषताएं बताइए, तो क्या बताएंगे? भारतेंदु युगीन साहित्य की विशेषताओं को लिख लीजिए, प्रवृत्तियों को भाई। पहली प्रवृत्ति भाई देशभक्ति यहाँ पर खूब अच्छे तरीके से थी। दूसरी बात है भारतेंदु युग की विशेषताओं में कि प्राचीनता तथा नवीनता का समन्वय किया गया। तीसरी बात यह है कि जनवादी विचारधारा का चित्रण यहाँ पर देखेंगे आप। ओके, चौथी बात यह है कि भारतेंदु युग में स्वतंत्र प्रकृति का चित्रण किया गया। ओके, कोई दबाव नहीं। पांचवी बात है कि इतिवृत्तात्मकता भारतेंदु युग में खूब थी। इतिवृत्तात्मकता माने होता है कि किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा विस्तार से बताना। ओके, इतिवृत्तात्मकता उसी को कहा जाता है। भाषा भी इसकी बात की जाए जो है भारतेंदु युग की, तो भारतेंदु युग में कविता के क्षेत्र में जो है ब्रज भाषा का प्रयोग होता था, और गद्य के क्षेत्र में उस समय खड़ी बोली का विकास धीरे धीरे हो ही रहा था, किंतु इस युग में अधिक मतलब कि अंतिम समय में खड़ी बोली में ही कविता करने का आंदोलन शुरू हुआ, और जिसे द्विवेदी युग में अधिक सफलता प्राप्त हुई। उदाहरण के लिए इस युग की खड़ी बोली का एक उदाहरण मैं अगर आपके समक्ष देना चाहूँ तो एक पंक्ति है कि सांझ सवेरे पंछी सब क्या कहते हैं कुछ तेरा है, क्या सांझ सवेरे पंछी सब क्या कहते हैं कुछ तेरा है, और हम सब एक दिन उठ जाएंगे यह दिन चार बसेरा है। ये एक प्रकार से भाषा मतलब की खड़ी बोली ही है जो कि ब्रज मतलब की भारतेंदु युग में ही ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली में रचना लिखी गई।
ठीक, वही बात की जाए तो छंद भी इसके ठीक ठाक हैं। छंद में आप देखेंगे तो भारतेंदु युग में छंदों के क्षेत्र में कोई नवीन एवं स्वतंत्र प्रयास नहीं मिलता है। परंपरागत सवैया हो गई आपकी, और रोला छंद हो गया, छप्पर छंद हो गया, कवित्त हो गया, इनसे इन्हीं सभी छंदों के अतिरिक्त जो है कुछ प्रचलित लोकगीतों के छंदों के में जैसे कि लावणी हो गया, कजली हो गया, बिरहा और चैननी, चैता, ये सब भी आप देखेंगे। लेकिन खास मात्रा में सवैया, रोला, छप्पे, कवित्त, इनकी मात्रा अधिक मात्रा में मतलब कि प्रयोग हुआ है। भारतेंदु युग में नवीन छंदों का अभाव जो है उतना नहीं खटकता है, लेकिन फिर भी जो है कुछ ना कुछ मात्रा में तो आप देख ही सकते हैं छंदों की कोई नवीनता नहीं है, लेकिन हाँ छंदों की कमी भी नहीं है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे, ये विशेषता हो गई आपकी। अगर आगे बात करेंगे भारतीय युग के बाद में कौन सा युग आता है आपका, द्रिवेदी युग आता है। द्रिवेदी युग की समान प्रवृत्तियों की बात की जाए तो द्रिवेदी युग की बात की जाए तो ये द्वितीय सोपान है आधुनिक युग का, और द्रिवेदी जी के नाम पर जो है इसका नामकरण हुआ, महावीर प्रसाद द्रिवेदी जी के नाम पर। 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्रिवेदी सरस्वती पत्रिका का संपादन करते हैं, और सरस्वती पत्रिका का संपादन करने के जो है बाद से ही 1903 ईस्वी से लगभग मान लिया जाता है कि द्रिवेदी युग की शुरुआत पूर्ण रूप से हो चुकी है और भारतेंदु युग का समापन जो है हो सकता है। और खास करके बात की जाए तो जो राष्ट्रीय भावना, जो मतलब कि राष्ट्रीय चेतना जो थी उसमें जो है भारतेंदु युग में वो भी वही रहेगी, मतलब द्रिवेदी युग में भी राष्ट्रीय चेतना रहेगी, और उसके बाद में इसको राष्ट्रीय चेतना को लेकर के जो है द्रिवेदी युग में कहा गया कि देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। ये राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत पंक्ति थी जो कि हमने आपको समक्ष बताई, और बड़ी ही अच्छी पंक्ति है जो कि जो है राष्ट्रीय चेतना जगाने का उत्कृष्ट कार्य करती है, तो राष्ट्रीय चेतना। और दूसरी बात है कि धार्मिक विचार भी इसमें आप देखेंगे, द्विवेदी युगीन काव्यों में ने अपनी रचनाओं में धार्मिक भावना का सम्यक समावेश भी किया है। इस दृष्टि से बात किया तो मैथिली संगुप्त का जो साकेत महाकाव्य है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। ओके, और इस काल की रहस्य भावना से उत्पूर्त पंक्तियाँ जो है हम आपके समक्ष जो है बोलने जा रहे हैं, उसको सुनिएगा। तो जैसे कि तेरे घर के द्वार बहुत हैं, किससे होकर आऊँ मैं, सब द्वारों पर भीड़ बड़ी है, कैसे भीतर जाऊँ मैं, ये धार्मिक विचार को लेकर के बातें यहाँ पर बताई गई। तीसरी विशेषता इसकी है द्रिवेदी युग की, कौन सी, प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण यहाँ पर खूब अच्छे तरीके से हुआ है, आप देखेंगे जो है प्रकृति चित्रण में आप माहिर व्यक्ति, उनका आपने नाम सुना होगा जो है सुमितानंद पंत, तो हालांकि छायावाद के हैं प्रकृति के सुकुमार कवि, लेकिन आप देखेंगे तो इसमें भी प्रकृति चित्रण जो है द्रिवेदी युग में भी होता रहा। जैसे कि प्रकृति जहाँ एकांत बैठ निज रूप संवारती, पल पल पट जो है पलटत बेस क्षणिक छवि छिन्न छिन्न धारती, ये लिख सकते हैं। और वहीं पर और भी तमाम सारी चीज़ें, जैसे पंडित राम नरेश त्रिपाठी की एक रचना है स्वप्न, और वो खंड काव्य है स्वप्न, और उसमें जो है एक पंक्ति लिखी गई, बड़ी अच्छी पंक्तियाँ हैं कि पर्वत शिखरों पर हिम गलकर जल बनकर नालों में आकर छोटे बड़े चीकने अगणित शिला समूहों से टकराकर गिरता उठता फेन बहाता अति कोलाहल हर हर वीर वाहिनी की गति से कहता रहता निशिवा सर। आप देखेंगे बैठी खिन्नायक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आसुद्री युगल से थे धरा को भिगोते, ये जो है महारानी राधा जी बैठी हुई, तो ये इस प्रकार से। ठीक, चौथी विशेषता है भाई द्रिवेदी युग की, कौन सी, मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाया गया है। पांचवी विशेषता इसकी है आदर्श एवं नैतिकता, क्या भाई, आदर्श एवं नैतिकता इसकी पांचवी विशेषता। छठवीं विशेषता आप लिखेंगे भाई जो भारतेंदु युग में भी थी, इति वृत्तात्मकता, मतलब कि खूब बढ़ा चढ़ा करके कोई बातों को लिखना। सातवीं बात यह है कि मतलब कि जो वर्णात्मक शैली में लिखना उसी को इति वृत्तात्मकता कहा जाता है। सातवीं विशेषता रही है द्रिवेदी युग की, कौन सी, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली यहाँ पर प्रतिष्ठित हो चुकी थी। ठीक, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छी बात यह है कि जो काव्य भाषा का जन्म, मतलब कि खड़ी बोली का जन्म जो हुआ भारतेंदु युग में हुआ, लेकिन उसको सजने संवरने का जो कार्य हुआ वो द्रिवेदी युग में ही प्रारंभ हुआ मुख्य रूप से। ओके, तो ये सब विशेषताएं थी द्रिवेदी युग की। अगर आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि छायावाद की विशेषताएं बताइए, छायावाद की विशेषताएं पूछे तो भी आप आसानी से बता लेंगे। इस वीडियो में हम अभी बता रहा हूं आपको जो है छायावाद की विशेषताएं, छायावाद की प्रवृत्तियां। तो पहली विशेषता छायावाद की कौन सी हो सकती भाई, पहली विशेषता आत्म अभिव्यक्ति की प्रधानता,
इसमें क्या हुआ भाई, आत्म अभिव्यक्ति हुई है। मतलब कि जो भी कवि इसमें आप देखेंगे, चाहे प्रसाद, चाहे पंत, चाहे निराला, ये सभी लोग जो है आत्म की, मतलब अपने आत्मा की अभिव्यक्ति को ही अपनी लेखनी का सहारा दे करके कविताएं लिखा करते थे। और दूसरी बात इसमें ये है विशेषता इसकी जो छायावाद की, कि मार्मिक प्रेम, प्रेम की व्यंजना इसमें दिखाई पड़ती है। इसको लेकर के जो है आप देखेंगे प्रेम की मार्मिक व्यंजना में एक पंक्ति है, बड़ी फेमस पंक्ति है, कि प्रेम सदा ही तुम असूत्र हो, उर के हीरो का हार, अगूथे हुए प्राणियों को भी गूथे न कभी सदा ही सार, ये आप बता सकते हैं। और वहीं आपकी बात की जाए तो जो है अस्थि चरम में देह नारी, मतलब कि कवि की कल्पना में जाकर के फूलों से कोमल पराग कणों की सुगंधित और मकरंद की भांति रस रंजित हो गई है। मतलब जो चीज़ें आप देखेंगे कि वही भारत जो है रीतिकाल में जिस स्त्री का वर्णन प्रेयसी के रूप में हुआ करता था, मतलब कि जहाँ पर मांसल चित्रण हुआ करता था, वहाँ पर मतलब कि एक प्रकार से दूसरी भावना से रीतिकाल के जो है कवि लोग नारी का वर्णन करते थे, उस नारी के वर्णन में छायावाद में आकर के बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है। नारी यहाँ पर एक प्रकार से बात की जाए तो बहुत जो है पूजनीय मानी जाती है, कि नारी कृत्या मृत्यु उर्वशी जननी माँ की माया, वह हिरण गर्भा है जिसमें सब ब्रह्मांड समाया। नारी को इतना जो है बता दिया गया, ठीक, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और तीसरी विशेषता इसकी है सौंदर्य अनुभूति की प्रधानता, छायावाद की बड़ी विशेषता है। ओके, कि काली आँखों में कितनी यौवन के मत की लाली, मनिक मदिरा से भर दी किसने नीलम की प्याली। तो यहाँ पर आप देखेंगे सौंदर्य की अनुभूति की प्रधानता खूब है। और जो है चौथी विशेषता है छायावाद की रहस्यवादी आध्यात्मिकता, जो रहस्यवाद आप देखेंगे कबीर का रहा है भक्ति काल में, वही रहस्यवाद आप देखेंगे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं छायावाद में। ओके, और जो पांचवी बात है कि प्रकृति चित्रण का विशिष्ट महत्व यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि प्रकृति के प्रति असीम अनुराग जो है देखने को मिलता है इन पंक्तियों में। कौन सी पंक्ति है, जैसे कि जो छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, ये। ओके, या इसी प्रकार से आप देखेंगे निराला की संध्या सुंदरी को परी सी आकाश मार्ग से उतरते देखता है और कहता है कि दिवस मतलब कि दिव साव शान का समय, मेघ मैं आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। आप छठवीं विशेषता बता सकते हो राष्ट्रीयता एवं देश प्रेम, और वहीं बता सकते हो आप आगे जो है सातवीं विशेषता इसकी कि आत्म अभिव्यक्ति में कोमलता एवं सरलता भी देखी जा सकती है। ओके, और उसके साथ ही साथ और भी तमाम सारी विशेषताएं हैं, बस इतने अगर आप सात विशेषताएं लिख देंगे एग्जाम्स में, चाहे लघु उत्तरीय पूछा जाए चाहे दीर्घ उत्तरीय पूछा जाए, आसानी से आपका काम हो जाएगा। ओके, बात की जाए प्रगतिवाद की समान विशेषताओं के बारे में, तो प्रगतिवाद की समान प्रवृत्तियों को मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा। प्रगतिवाद की प्रमुख जो है समान प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी होती हैं, देखिए पहली जो है प्रगतिवाद की समान प्रवृत्तियाँ कौन सी हो गई, पहली विशेषता या पहली प्रवृत्ति यथार्थ का नग्न चित्रण जो है प्रगतिवाद में हुआ। किसका, यथार्थ का नग्न चित्रण, अर्थात आप देखेंगे पंत जी की एक पंक्तियाँ हैं, गाँव की संस्कृति और सभ्यता का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करती हैं। और कहा पंत जी ने क्या कहा, कि यह भारत का ग्राम सभ्यता संस्कृति से निर्वासित झाड़ फूस के निकट, यही क्या जीवन शिल्पी से घर। आप देखेंगे गांव के दूषित वातावरण में रह करके भी ग्रामवासी सड़े गोबर की खाद में फूल की सुगंध देखता है, और इसकी पंक्ति बड़ी फेमस है कि सड़े घूर के गोबर की बदबू से दबकर महक जिंदगी गुलाब की मर जाती है। क्या, कि सड़े घूर के गोबर की बदबू से दबकर महक जिंदगी के गुलाब की मर जाती है। ये जो है एक प्रकार से यथार्थ का नग्न चित्रण किया है, जो चीज़ें थी दलित के प्रति सहानुभूति हुआ, शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश हुआ, शोषितों के प्रति सहानुभूति, इन सभी चीज़ों पर विशेष बल दिया गया यहाँ पर। दूसरी बात ये है, दूसरी विशेषता इसकी लिखेंगे कि परिवर्तनों की आकांक्षा। क्या, परिवर्तनों की आकांक्षा, प्रगतिवाद शब्द ही परिवर्तन का सूचक है, और उन्होंने मात्र शोषित निर्बल वर्ग पर ही सहानुभूति नहीं व्यक्त की है अपितु संपूर्ण व्यवस्था को परिवर्तित करने का भी आह्वान किया है यहाँ पर। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरी तीसरी विशेषता इसकी आप लिख सकते हो बौद्धिकता एवं व्यंग किया गया है। आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने मनुष्य को नए ढंग से सोचने के लिए प्रेरित किया, वर्तमान जीवन के दुख दैन्य को वह पूर्व जन्म का फल ना मान करके सामाजिक दुर्व्यवस्था का परिणाम समझने लगा है। इस प्रकार से ठीक इस दुर्व्यवस्था को जन्म देने वाले स्वार्थी और समाज विरोधी तत्वों के
कुकृत्यों को सामने लाने के लिए प्रगतिवादी कवि जो है शब्द खड़ग लेकर के साहित्य के रण क्षेत्र में कूद पड़ता है। दिनकर ने आर्थिक असमानता का एक चित्र निम्नलिखित पंक्तियों में अंकित किया है, मैं वो पंक्ति आपके समक्ष पढ़ रहा हूँ, आप सुनिएगा, बड़ी अच्छी पंक्तियाँ हैं कि उन्होंने कहा जो है दिनकर ने कि स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक कुल आते हैं, माँ की गोदी से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। अर्थात जो है स्वान माने होता कुत्तों को दूध और वस्त्र मिल रहा है और भूखे बच्चों को कुछ नहीं मिल रहा है, वो जो है व्याकुल हो रहे हैं, माँ की गोदी से अपने लिपट जाते हैं, पूरी की पूरी रात ठंडी की ठिठुर कर बिताते हैं, उनके पास कपड़े नहीं हैं, ये बात बताते हैं। ओके, आगे देखा जाए तो ये तीसरी विशेषता हो गई आपकी। चौथी विशेषता, और इसी की चौथी विशेषता कौन सी आप लिख सकते हैं, नारी के प्रति मतलब सहानुभूति या नारी स्वतंत्र की आकांक्षा। इसमें जो है गुप्त जी कहते हैं, मैथिलीशरण गुप्ता जी, कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। ये बात जो है आप देख सकते हैं कि जो है नारी स्वतंत्रता के लिए द्योतक है और तमाम सारी चीज़ें जो है इसके लेकर के जो है प्रगतिवादी कवि जो है और भी जो है जोड़ देना चाहते हैं और कहते हैं कि योनि नहीं है रे नारी यह भी मानवी प्रतिष्ठित, उसे पूर्ण स्वाधीन करो वह रहे न नर पर आश्रित। ये बात भी नारी के प्रति कही गई और नारी के प्रति और भी चीज़ें बताई गई, जैसे कि माता बनी दूध भर आया किंतु भरा न पानी पापी पेट, जननी बनकर भी पशुओं के आगे नग्न सकेगी लेट। इस प्रकार से चीज़ें जो है इसमें बताई गई, बहुत ज़्यादा यथार्थ का नग्न चित्रण प्रस्तुत किया गया। कहने का मतलब ये है कि जो सत्य था उसको कवियों ने लिखा, उसमें कोई डरने की कोई दबने की आवश्यकता नहीं समझी, जो भी यथार्थ रूप था वो प्रगतिवाद में सामने आया, प्रगतिवाद का मतलब यथार्थ होता है। पांचवी विशेषता इसकी थी कौन सी, प्रेम के सुष्टु और सामाजिक स्वरूप का जो है यहाँ पर जो है निरूपण किया गया। प्रगतिवादी साहित्य में प्रेम का बहुत ही प्रांजल और पवित्र स्वरूप उपस्थित हुआ है। प्रेम के मांसल स्वरूप से हटकर के प्रगतिवाद ने उसकी व्याख्या व्यापक अर्थों में की है। प्रेम को विलासिता का साधन नहीं माना है और उसे प्रेरणा का स्वरूप प्रदान किया है। किसका प्रेरणा का स्वरूप प्रदान करते हुए विलासिता के साधन को स्वीकार नहीं किया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे कवियों ने यहाँ के। ओके, और भी विशेषता, छठवीं विशेषता आप लिख सकते हो प्रगतिवाद की, कि भाषा शैली में नवीनता यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि पंत जी की एक भाषा देखिएगा पंक्तियों की, कि तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। मतलब कहने का मतलब यह है कि अलंकार की कोई ज़रूरत नहीं समझी यहाँ पर, अलंकार रस छंद इन सभी में कोई रस नहीं है, बस जो भाव है यहाँ का, मतलब प्रगतिवाद का आप देखेंगे तो भाव पक्ष जो था वो प्रबल था और जो कला पक्ष था, मेरे प्यारे दोस्तों कला पक्ष में ज़्यादा ध्यान ना दे करके भाव पक्षी विचारधारा यहाँ पर पनपी जो कि प्रगतिवाद। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इसमें और भी चीज़ें, छंद और अलंकार की अनिवार्यता प्रगतिवादियों में नहीं रही और इसको लेकर के जो पंत जी हैं सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि खुल गए छंद के बंद प्राण के रजत पास, और अब गीत मुक्त युगवाणी बहती है आयास, ये बताइए। तो ये थी प्रयोगवाद की कुछ विशेषताएं जो कि हमने आपको बता दी। आगे जो अगली विशेषता है आपकी प्रयोगवाद की, अरे समझते भाई प्रयोगवाद की विशेषता कौन सी है। एक बार में आप सोचिए रिवीजन क्लास हो गई आपकी, लगभग आपने पूरे की पूरी हिंदी साहित्य को कवर कर लिया, सारे के सारे चीज़ों के बारे में आपने समझ लिया। निश्चित तौर पर यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपकी कल परीक्षा है और आप आज ही सारी बातें जान रहे हो। अगर आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव है चाहे लिखित है, सभी के लिए लेक्चर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, तो प्रयोग एक बार सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं हमको, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सभी दोस्तों को बुला लीजिए और जितने भी लोग आए हैं देख रहे हैं सभी लोग लगातार बने रहें, क्योंकि यह वीडियो अगर आप लोगों ने देख लिया निश्चित तौर पर आपको कोई जो है और वीडियो देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आज का सेशन आप लोग जरूर अटेंड करें और सुबह परीक्षा देने चले जाइएगा। ओके, सारा का सारा डाउट्स आपका क्लियर रहेगा। ओके, चलिए प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषताओं की बात की जाए तो प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां विशेषताएं देखिए। पहली विशेषता है इसकी भाई कौन सी, क्या लिखेंगे, अहंगवादी प्रवृत्ति का प्रधान। क्या, अहंगवादी प्रवृत्ति का प्रधान। यहाँ पर क्या है, प्रयोगवादी कवि की जो है अंतरात्मा अहंगवादी प्रवृत्ति से जो है बद्ध है, उसे जो है अहंगवादी जो प्रवृत्ति है उससे लसोलयस है,
और वह समाज से अलग एकांत में अपना जीवन व्यतीत करना जो है अधिक श्रेयस्कर समझता है। जो प्रयोगवाद के जो कवि हैं ये लोग जो है एकांतवास ज़्यादा पसंद करते हैं और घोर व्यक्तिवादी हैं, अतः समाज के साथ अपना सामंजस्य स्थापित नहीं कर जो है कर सकता। साधारणतः प्रयोगवादी कविताओं में एक दयनीय प्रकार की झुंझुलाहट, खींच, कुंठा, किशोर औदत्य और हीन भाव भी व्यक्त हुआ है, जो कवि के व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक नहीं है अपितु विघटन करता ही है। व्यक्तिकता का एक उदाहरण अगर आपके समक्ष बताना चाहूँ तो सुनिएगा कि तब मैं एकाग्र मतलब कि एकाग्र मन जुट गया ग्रंथों में, मुझे परीक्षाओं में विलक्षण श्रेय मिला। ये आप ध्यान सकते हैं। और दूसरी विशेषता इसकी है भाई जो है प्रयोगवाद की, कौन सी विशेषता है कि यथार्थवाद का आग्रह किया गया। प्रगतिवाद की बात की जाए मतलब कि प्रयोगवाद की, तो प्रयोगवादी कविताओं में अति यथार्थवाद की प्रवृत्ति के विशेष दर्शन होते हैं। कहीं कहीं तो दूषित मनोवृत्तियाँ अपनी चरम सीमा को पार कर जाती हैं। प्रगतिवादी कवि दामित जो है वासनाओं एवं कुंठाओं के चित्रण में अधिक आनंद प्राप्त करता है, और यही कारण है कि उनकी कविताओं में सामाजिकता का अभाव भी है, प्रेम का तनिक भी उद्दात रूप नहीं मिलता है। और ऐसा प्रतीत होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि कवि जो है एक प्रकार से सेक्स संबंधी वर्जनाएं होती हैं उनसे आक्रांत होता है, और उसका मस्तिष्क जो है इन सभी भावनाओं से भरा हुआ है। और नारी की अधोगति का पता निम्नलिखित पंक्तियों से यहाँ पर पता चलता है कि आज मतलब कि आह मेरा श्वास है उत्तप्त, धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार, और प्यार है अभिशप्त, तुम कहाँ हो नारी। मतलब इसमें जो यहाँ पर आप देखेंगे जो प्रगतिवादियों ने विरोध किया उसका यहाँ पर थोड़ा बहुत देखेंगे समर्थन भी मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो ये चीज़ है नारी के प्रति जहाँ पर वहीं पर दूसरी प्रकार की मनोवृत्तियाँ थीं, वहीं प्रयोगवाद में थोड़ा सा जो है बदलती है नारी के प्रति, और ये तमाम सारी चीज़ें। ओके तो क्लियर हो गई बातें। अब तो कितनी दो विशेषताएँ हो गई, तीसरी विशेषता देखिए भाई, तीसरी विशेषता कौन सी हो सकती है आपकी, निराशावाद। प्रयोगवादी कवि वर्तमान के जो है कुहासे से घिरे हैं और उसका दृष्टिकोण वर्तमान जगत के प्रति निराशावादी ही है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके मतलब कि चौथी विशेषता इसकी कौन सी लिख सकते हो आप, बौद्धिकता का प्राधान्य यहाँ पर है, किसका, बौद्धिकता का प्राधान्य। पाँचवीं विशेषता आप लिखिएगा उपमानों की नवीनता, क्या उपमान जो थे वो नए नए उपमान यहाँ पर आपके समक्ष आएंगे। प्रयोगवादी कवियों ने प्राचीन रूढ़ उपमानों के स्थान पर नवीन उपमान, नवीन रूपक और नवीन अलंकार खोज निकाले। यौन संबंधी वर्जनाओं की अभिव्यक्ति के लिए नाना प्रतीकों का प्रसरय लिया गया, और कुछ नवीन उपमानों का उदाहरण है जैसे कि प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया, बल्ब वर्ग वगैरह प्यार का बल्ब, ऐसी तुलना इससे पहले कभी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी जो है प्रगति प्रयोगवाद में आप देखेंगे तो प्रयोगवाद जैसा कि नाम ही है प्रयोगवाद, तो ये इसमें प्रयोग ही हो रहा था। तो प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया है, मेरे सपने इस तरह टूट गए जैसे भूजा हुआ पापड़। अब सपने कहीं भूजा हुआ पापड़ जैसे टूटते हैं, लेकिन यहाँ पर नए नए तरीके से जो है उपमान किया गया, नए नए तरीकों को प्रतीक माना गया, तुलना की गई मतलब प्रयोग किया गया, ठीक। और वह रेशमी मिठास मिलन के प्रथम दिनों की पूर्व दिशी में हड्डी के रंग वाला बादल लेटा है, तमाम प्रकार के उपमान नाना प्रकार के अलग अलग करते रहे ये लोग। और छठवीं विशेषता इसकी आप लिख सकते हो साधारण विषयों का निरूपण, क्या साधारण विषयों का निरूपण किया गया। सातवीं बातें हैं भाई छंद योजना में देखेंगे तो प्रयोगवादी कलाकारों ने छंद के बंधन को स्वीकार नहीं किया है, जिस प्रकार से प्रगतिवादियों ने विरोध किया उसका इसी प्रकार से इन लोगों ने भी किया, मतलब विरोध नहीं किया स्वीकार नहीं किया खास करके बात ये है। फिर भी मुक्तक परंपरा में वे विश्वास रखते हैं, लोकगीतों की ध्वनियों पर भी गीतों की रचना करी है, और गद्य की सी मतलब की नीरसता भी इन कवियों मतलब कविताओं में देखी जा सकती है, क्योंकि ये लय गति और तुक से विहीन है, ना तो इनकी कविताओं में प्रयोगवाद में लय है ना गति है ना तुक है, इसीलिए कविताएं गद्य सी जान पड़ती हैं। ओके आठवीं विशेषता इसकी आप लिख सकते हो भाषा का प्रयोग, यहाँ पर भाषा की बात की जाए तो प्रयोगवादी कवियों ने भाषा के नवीन और सुंदर प्रयोग किए हैं, और इनकी कविताओं में व्याकरण की अवहेलना खूब मिलती है, व्याकरणिक भाषा का प्रयोग नहीं है। ओके ठीक तो ये तमाम सारी विशेषता आप देख सकते हैं। तो भाषा में नवीन प्रयोग के कारण कविता में भूगोल, विज्ञान, गणित, दर्शन, मनोविश्लेषण, शास्त्र और बाजारू बोली के शब्दों के प्रयोग भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके ये प्रयोगवादी कविता की विशेषताएं थी, प्रगतिवाद की हमने बता दी आपको। अब जो आपकी बचती है नई कविता की विशेषताएं आपको बताएं तो नई कविता की पहली विशेषता आप लिख सकते हो भाई कौन सी, सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति की गई यहाँ पर। दूसरी बात यौन कुंठाओं और यौन वर्जनाओं का चित्रण जो है
नई कविता में जो है एक प्रकार से रखा गया, नई कविता में अपने युग के जीवन की प्रतिक्रियाओं के रूप में पीड़ा, निराशा, विषाद, अनास्था, घुटन, कुंठा आदि का चित्रण अधिक मात्रा में हुआ है। ठीक। और तीसरी विशेषता आप देख सकते हो व्यक्तिवादी प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति यहाँ पर इस प्रकार से छायावाद में आप देख सकते थे, ठीक उसी प्रकार से। और उसके बाद में चौथी विशेषता इसकी आप लिख सकते हो नई कविता की प्रेम का चित्रण किया गया यहाँ पर। ओके। पांचवी विशेषता आप लिख सकते हो जो है प्रत्यक्त और वर्जित विषयों का अंकन किया गया। नई कविता में प्रकृति, नारी, काम वासना इन सभी के चित्रण में भी कवियों की आह मतलब अहंग और दंभ की प्रवृत्ति का प्रधान नहीं दिखाई देता है। और ये आप देख सकते हैं। छठवीं विशेषता आप देख सकते हो शास्त्रीय मान्यताओं के प्रति अनास्था रखी गई यहाँ पर। जो मान्यताएं क्लासिकल थी, शास्त्रीय थी, उनमें आस्था नहीं रखी गई, अर्थात नई कविता में किसी भी शास्त्रीय मान्यता के प्रति कोई आस्था नहीं दिखाई पड़ती है। इसलिए सभी नए कवि व्यास और समास दोनों प्रकार की शैलियाँ अपनाते हुए भाषा के नूतन नूतन प्रयोगों की ओर अग्रसर हुए हैं, मतलब नए नए प्रयोग कर रहे हैं। पुरानी परंपरा को निष्क्रिय, पुरानी उपलब्धियों को निरर्थक मान करके अभिव्यक्तिगत नूतन चमत्कार तथा शब्दों के विक्षिप्तपूर्ण नूतन प्रयोगों को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके। तो ये विशेषताएँ थी जो कि हमने आपको बता दी। तो निश्चित तौर पर आपके सारे के सारे चीज़ों के बारे में हमने बता दिया। अब कोई चीज़ आपका बचा नहीं तो पूरे का पूरे हिंदी साहित्य आपकी समझ में लगभग और लगभग आ चुका हुआ होगा। और आपको ये भी बता दूं थोड़ा सा कालखंड समझ लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। पहली भी चीज़ ये है कि आदिकाल को प्रारंभिक काल के नाम से भी जाना जाता है और 750 से लेकर के ईस्वी से लेकर के बहुत सारे विद्वान सर्वमान्य जो मत है 750 ईस्वी से लेकर के 1350 ईस्वी तक का जो समय काल है ये रहा है आरंभिक काल का। दूसरा जो काल है आपका पूर्व मध्य काल अर्थात भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। इसकी बात किया तो 1350 जो है ईस्वी से लेकर के 1650 ईस्वी के आसपास का जो समय है ये किसका समय है, ये पूर्व मध्यकाल भक्ति काल का समय है। उसके बाद में तीसरा कालखंड होता है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। रीतिकाल की जो समय सीमा 1650 से लेकर के 1857 का जो समय है ये रीतिकाल का समय है। और आधुनिक काल की बात की चौथा है आधुनिक काल। आधुनिक काल को गद्य और जो है गद्य काल कहा जाता है या फिर गद्य मतलब पद्य दोनों का लिखन इसमें हुआ है। इस खास करके इसको गद्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने कहा। इसका जो समय है वो 1857 से लेकर के आधुनिक काल आज तक चलता रहा है। और अब बात की जाए आधुनिक काल की, तो आधुनिक काल जो हुआ मेरे प्यारे दोस्तों आधुनिक काल जो है उसमें भी कई हैं। जैसे कि आधुनिक काल में पहला आपका है पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल जो है 1857 से लेकर के 1907 तक चला। 1857 से 1907 तक जो चला मेरे प्यारे दोस्तों मतलब कि 1908 तक चला। कौन सा 1908 तक चला आपका कौन सा पुनर्जागरण काल। जो दूसरा है आपका सुधार परिष्कार काल जिसको द्विवेदी युग कहा जाता है। और पुनर्जागरण काल को कौन सा युग कहा जाता है, तो भारतेंदु युग। और पुनर्जागरण काल है सुधार परिष्कार काल आपको द्विवेदी युग कहा जाता है। द्विवेदी युग 1908 से प्रारंभ होता है और आपका 1915 तक चलता है। ये सर्वमान्य मत जो है एक प्रकार से है, ये आप ध्यान रखेंगे। और डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्ता के नवीन शोधों के अनुसार जो है यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं। ओके। और छायावाद युग उसके बाद में आता है। छायावाद 1915 से 1938 तक के समय काल को मान सकते हैं। हालांकि 1918 से प्रारंभ होता है छायावाद अगर खास करके बात की जाए। और जो है आगे जो आप लिख सकते हैं छायावाद उत्तर युग में आपका प्रगति प्रयोग काल है 1929 से 1953 तक। और नवलेखन का काल रहा है 1953 से आज तक। अब उसी में आप देखेंगे सठोत्तरी कविता 1960 के बाद की जो कविताएँ लिखी गई वो सठोत्तरी कविता के नाम से। ओके। ये तमाम सारी चीज़ें थी जो कि हमने आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं तो पहला प्रश्न आपका हो ही गया होगा। दूसरा प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो क्या है भाई, पृथ्वीराज रासो के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया। पृथ्वीराज रासो बड़ी ही अच्छी चीज़ है। पृथ्वी मतलब कि प्रश्न पूछा गया पृथ्वीराज रासो की बात की जाए तो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है ये पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम विकसनशील जातीय चेतना का महाकाव्य है। क्या आप लिखेंगे कि चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का या हिंदी का प्रथम विकसनशील जातीय चेतना का महाकाव्य है। आगे लिखेंगे कि इसमें कितने सर्ग हैं भाई, तो लिखेंगे कि इसमें 69 सर्ग हैं। और उस समय प्रचलित सभी छंदों को जैसे कि कवित्त छंद और दोहा छंद, तो तोमर छंद हो गया आपका, त्रोटक छंद हो गया, गाहा छंद, आर्या छंद और पादारी, इन सभी छंदों का प्रयोग जो है पृथ्वीराज रासो नामक काव्य में किया, महाकाव्य में किया गया है। और पृथ्वीराज रासो में क्षत्रियों की उत्पत्ति, दिल्ली नरेश जो है अनंगपाल की पुत्री कमला का, अजमेर के सोमेश्वर की पुत्री सुंदरी का, कन्नौज के राठौर विजयपाल के साथ विवाह, और पृथ्वीराज और जयचंद का द्वेष, संयोगिता हरण, गौरी के आक्रमण, पृथ्वीराज मतलब पृथ्वी
की बात की जाए, पृथ्वीराज के अनेक विवाह और युद्ध, इन सभी की कथाओं का वर्णन जो है आप देख सकते हैं पृथ्वीराज रासों में। ओके, ये बात आप ध्यान रखें। तो पृथ्वीराज रासों के बारे में अगर प्रश्न पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं। वहीं और भी तमाम सारे ये सब रासों साहित्य के अंतर्गत आते हैं। रासों काव्य और नाथ साहित्य ये सब किसके हैं, ये सब जो है आदिकाल के ही जो है अंग हैं, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। हमीर रासों की बात किया तो हमीर रासों सारंगधर ने लिखा है, एक नोटिस मात्र है ये। ओके, प्राकृत पैंगलम में संग्रहित कुछ जो है पद्यों के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने हमीर रासों का रचयिता सारंगधर को माना है, किंतु जज्ज्वल भानह वाक्यांश को देख करके राहुल शंकरत्यान ने इसके कवि का नाम जंजल बताया है। ओके, इसी प्रकार से विजयपाल रासो जो है हमीर रासो की तरह एक मतलब कि अन्य संदिग्ध रचना में नलसिंह भाट द्वारा रचित विजयपाल रासो का नाम आता है, जिसमें विजयपाल सिंह और पंग राजा के युद्ध का वर्णन जो है मिलता है। शुक्ल जी ने इसे अपभ्रंश शैली की कृति माना है। आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी और मोतीलाल मीनारिया के मतानुसार भाषा और शैली की दृष्टि से जो विजयपाल रासो काव्य है ये परवर्ती काल का ग्रंथ ठहरता है। तो ये क्लियर होगी बातें। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके समक्ष कौन सा भाई, अगला प्रश्न तीसरा नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे, तीसरा नंबर प्रश्न है रीति सिद्ध कवियों के नाम लिखिए। प्रश्न क्या है, प्रश्न आपके समक्ष है रीति सिद्ध कवियों के नाम लिखिए भाई। रीति सिद्ध कवियों के नाम, रीति सिद्ध कवियों के नाम कौन कौन से हो गए, जैसे कि आपका पहला नाम होगा बिहारी लाल, दूसरा कौन सा नाम हो सकता है आपका बेनी, तीसरा कृष्ण कवि, चौथा रस निधि, पाँचवा नृप शंभू, छठवा आप लिख सकते हो निवाज, सातवां नाम लिख सकते हो हठी जी, और आठवां नाम लिख सकते हो आप जो है राम सहाय दास, नौवां नाम लिख दीजिएगा पजनेश, और दसवां नाम लिख लीजिएगा कौन सा भाई दिजदेव। तो ये सब जो है रीति काल की बात की, तो रीति काल का जो रीति सिद्ध काव्य परंपरा है उसके कवि हैं, और सेनापति बृंद विक्रम ये सब भी जो है रीति सिद्ध में ही सम्मिलित कर लिए जाते हैं। रीति सिद्ध का मतलब है कि ऐसे कवि जो कि रीति जानते थे लेकिन रीति ग्रंथों की रचना नहीं करते थे, ठीक, मतलब काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना की है, रीति ग्रंथों की रचना नहीं करी है। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। रीति सिद्ध कवि, रीतिबद्ध कवि में आप देखेंगे तो रीतिबद्ध कवि में जैसे ऐसे कवि जो कि रीतियों में बद्ध करके रचना लिखते थे, जैसे कि चिंतामणि, भिखारी दास, कुलपति मिश्रा, श्रीपति देव, और उसके बाद देव, प्रताप सिंह, पद्माकर, ये सब जो हैं ये सब रीतिबद्ध काव्य परंपरा के हैं। और रीति जो है मुक्त की बात की जाए तो रीति मुक्त में धारा में रीति परंपरा के साहित्यिक बंधन और रूढ़ियों से मुक्त होकर के काव्य रचना में जो व्यक्ति अग्रसर हुए उनमें जैसे कि आपका जो है घरानंद हो गए, आलम हो गए, ठाकुर हो गए, बोधा हो गए, ये सब आते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न चौथा नंबर प्रश्न है भक्ति काल की प्रेम मार्गी। प्रश्न क्या है, भक्ति काल की प्रेम मार्गी सूफी काव्यधारा की तीन विशेषताएं बताइए। तीन विशेषताएं आपसे पूछा जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, किसकी, भक्ति काल की प्रेम मार्गी सूफी धारा का। तो प्रेम मार्गी सूफी धारा का हमने आपको बताया कि नहीं बताया, ज्ञान मार्गी का तो हमने बता दिया था, प्रेम मार्गी का पूछा गया बड़ी ही आसानी से आप बता दीजिएगा। प्रेम मार्गी के लिए पूछा गया प्रश्न क्या पूछा गया, प्रश्न आपसे पूछा गया कि भक्ति काल की प्रेम मार्गी सूफी काव्यधारा की तीन विशेषताएं बताइए। तो पहली विशेषता आप लिखिएगा कि लौकिक प्रेम कथाओं के माध्यम से अलौकिक का चित्रण यहाँ पर किया गया, मतलब कि यहाँ पर दो व्यक्तियों का प्रेम दिखाएंगे, जैसे कि शेख और निसार का दिखा दिया, नागमती का और उनका दिखा दिया, बाद में क्या करेंगे अलौकिक प्रेम को साधेंगे, कि मतलब कि जो प्रेमी है वो एक प्रकार से प्रेमी और प्रेमिका को आत्मा परमात्मा के जैसा मानेंगे, और इस प्रकार से प्रेम हम लोग परमात्मा से करेंगे तो हमारा मोक्ष हो जाएगा, ये बात इसमें बताई गई। दूसरी विशेषता इसकी ये भाई सूफी काव्यधारा की कि इसमें जितने भी कवि हुए हैं सारे के सारे संत रहे हैं, कौन रहे भाई, सारे के सारे कवि सूफी संत रहे हैं। तीसरी विशेषता इसकी है कि इसकी भाषा जो है भक्ति काल की प्रेम मार्ग की जो शाखा, इसकी भाषा कैसी भाई, अवधि है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। सॉरी, तो क्लियर हो गई बात, इतनी क्लियर हो गई, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिए, सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, हमने पूरे का पूरे हिंदी साहित्य को आपको समझाया। अगला प्रश्न है तुलसीदास के प्रामाणिक ग्रंथों का नाम उल्लेख कीजिए। पांचवा नंबर प्रश्न है, पांचवा नंबर प्रश्न क्या है भाई, पांचवा नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि तुलसीदास के प्रामाणिक ग्रंथों का नाम उल्लेख कीजिए। तुलसीदास जी के जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं उनका नाम लिखिए। जो तुलसीदास की कुल मिलाकर के 12 प्रामाणिक ग्रंथ है, कितने भाई, तुलसीदास की कुल मिलाकर के 12 प्रामाणिक ग्रंथ है, कितने ग्रंथ है भाई, तो कितने ग्रंथ हैं, 12 प्रामाणिक ग्रंथ है तुलसीदास जी के। कौन कौन से हैं उसको आप लोग जरा ध्यान सुनिएगा, सभी लोगों को पता होगा, जितने जिनको जिनको पता है कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास करेंगे। चलिए, 12 को मैंने बार बार बताया लेकिन एक बार फिर से सुन लीजिएगा,
तुलसीदास जी की बात की है तो तुलसीदास जी का कि पिताजी का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी और गुरु जी का नाम जो है नरिहर दास था, पत्नी का नाम रत्नावली था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तुलसीदास जी की बात की जाए तो कविता करके तुलसी न लसी, कविता लसी पर तुलसी की कला, यह काव्य पंक्तियाँ तुलसी के विषय में कही जाती हैं और ये पंक्तियाँ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध ने कही थी तुलसीदास जी के बारे में, ये बात ध्यान रखेंगे। और तुलसीदास जी की बात की जाए तो तुलसीदास की बात की जाए रामचरित मानस हो गया, ये सारी की सारी रचनाएँ उन्हीं की हैं। और लेकिन बात की जाए जो 12 रचनाएं हैं उनमें जो है रचना का नाम सुनिए, पहली रचना आपकी दोहावली, दूसरी कौन सी होगी कवितावली, तीसरी गीतावली, चौथी रामाज्ञा प्रश्नावली, पांचवी रामचरित मानस, छठवीं आप लिख सकते हो विनय पात्रिका, सातवीं रचना लिख सकते हो रामलला नचहूँ, आठवीं लिख सकते हो पार्वती मंगल, नवमी लिख सकते हो जानकी मंगल, दसवीं लिख सकते हो बैराग्य संदीपनी और जो है और दसवीं लिख सकते हो ग्यारहवीं लिख सकते हो श्री कृष्ण गीतावली। ठीक, 12 रचनाएं थी हमने आपको बताई, क्या एक आध भूल गई क्या? चलिए देखिए फिर से देखिए, पहली रचना कौन सी दोहावली, दूसरी कवितावली, तीसरी कौन सी होगी गीतावली, चौथी रामाज्ञा प्रश्नावली, पांचवी रामचरित मानस, छठवीं विनय पत्रिका, सातवीं रामलला नचहूँ और आठवीं कौन सी होगी पार्वती मंगल, नवमी आपकी जानकी मंगल और दसवीं आपकी भरव रामायण और ग्यारहवीं आपकी जो है बैराग्य संदीपनी और जो है बारहवीं आपकी कौन सी होगी श्री कृष्ण गीतावली। ये 12 रचनाएं तुलसी की प्रामाणिक रचनाएं हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। इनमें बात की जाए अगर आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि तुलसी के ब्रजभाषा में रचित काव्य ग्रंथों का नाम उल्लेख कीजिए, तो इनके जो बात की जाए ब्रजभाषा में जो लिखे गए काव्य हैं उनमें कवितावली, नाम सुनिएगा कवितावली, कृष्ण गीतावली, विनय पात्रिका, दोहावली और गीतावली। दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली और कवितावली, कवितावली, दोहावली, गीतावली, मतलब जिसके लास्ट में वली है और एक पात्रिका, लास्ट में जितने किलो पास वली है वो सारे के सारे किस में है अवधि, मतलब कि ब्रजभाषा में है और एक पात्रिका, बाकी सब किस में है अवधि में हो गई आपकी। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो दोहावली आपका, गीतावली और उसके बाद में कवितावली और कृष्ण गीतावली, ये सारी की सारी रचनाएँ और विनय पात्रिका, ये किसी हैं, ये सब ब्रजभाषा में है। ओके, क्लियर हो गई बातें। रामाज्ञा प्रश्नावली को छोड़ करके, रामाज्ञा प्रश्नावली उसमें भी लास्ट में है तो ये वो छोड़ करके बाकी सारे की सारी रचनाएं इनकी कैसी हैं, वली वाली, सब जो है ब्रजभाषा में है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, छठवां नंबर, सत्सई को मुलतकों मलक जो है मुक्तकों का गुलदस्ता किसने कहा? प्रश्न बड़ा ही अच्छा है, प्रश्न क्या है कि सत्सई, सत्सई क्या है भाई, जो है बिहारी सत्सई एक पंक्ति है, मतलब कि बिहारी सत्सई एक रचना है जो कि मात्र किसकी है, एकमात्र रचना है बिहारी लाल की, बिहारी सत्सई। बिहारी के इस कविता के संबंध में एक दोहा प्रचलित है कि सत्सैया के दो हरे जो नाभक के तीर और देखर में छोटे लगे उघाव करें गंभीर। तो सत्सई को मुक्तकों का गुलदस्ता किस आलोचक ने कहा? तो बिहारी सत्सई की एकमात्र रचना बिहारी सत्सई, उसको मुक्तकों का गुलदस्ता कहा किसी विद्वान ने, तो किस विद्वान ने कहा भाई? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने बिहारी सत्सई को मुक्तकों का गुलदस्ता कहा। साथ ही साथ बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है ये कथन भी किसका है? ये रामचंद्र शुक्ला जी की का ही है। तो गागर में सागर भरने वाले कवि कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने किसको बताया है? तो उसको बताया किसको? बिहारी लाल जी को बताया। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो बिहारी जी के बारे में बताया, बिहारी जी का जन्म जो हुआ था 1652 विक्रमी में हुआ था ग्वालियर में। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और बिहारी का बाल्यकाल बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ, ये सवाई राजा जयसिंह के यहाँ पर रहते थे और ये रीति सिद्ध काव्यधारा के जो है और इनका संप्रदाय बात किया तो ये राम राधा बल्लभी संप्रदाय, किससे? राधा बल्लभी संप्रदाय से दीक्षा इन्होंने दी है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे, क्लियर हो गई। एकमात्र रचना है बिहारी सत्सई। ओके, सत्सई कैसा काव्य है आपसे पूछे तो ये मुक्तक काव्य है सत्सई, भाषा इसकी ब्रज है, ब्रज भाषा में रचना लिखते थे। और बिहारी गुरु का नाम क्या था भाई? तो नरिहरदास इनके गुरु का नाम था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, ये ब्राह्मण जाति के थे और चौबे थे। ओके, बिहारी, ये बात क्लियर होगी आपकी। आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, 6-7 नंबर प्रश्न है, घनानंद की रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। प्रश्न क्या है? घनानंद की रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए, घनानंद की रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम से आ सकता है मेरे प्यारे दोस्तों। घनानंद की रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही आपको जो है इतनी सारी जानकारी आपको देने के लिए आप लोगों का, मतलब इतनी देर तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी वीडियो बहुत लंबा है तो आप लोग जरूर देखें वीडियो लास्ट तक। ओके,
और सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। घनानंद की रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। घनानंद की रचनाओं का नाम उल्लेख, घनानंद की बात की है तो घनानंद की कुल 41 रचनाओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें जो सबसे ज़्यादा फेमस रचना है उनका नाम मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि सुजान सागर हो गई इनकी रचना है, उसके बाद में सुजान हित और सुजान की प्रेयसी थी, ये बात ध्यान रखेंगे। घनानंद निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित हुए थे, ये बात ध्यान, निम्बार्क संप्रदाय के निम्बार्क, ओके। और तीसरी रचना इनकी लिख सकते हो कृपावंद निबंध, चौथी रचना प्रेम सरोवर, पांचवी ब्रज विलास, और उसके बाद में छठवीं रचना लिख सकते हो अनुभव चंद्रिका, सातवीं लिख सकते हो आप जो है भावना प्रकाश, और आठवीं लिख सकते हो आप जो है गोकुल विनोद। ये रचनाएं किसकी हैं? घनानंद की रचनाएं हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर होगी बातें, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। घनानंद का जो जन्म हुआ था संवत 1746 विक्रमी के आसपास में हुआ था। घनानंद जो थे दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीली के वीर मुंशी के पद पर ये थे घनानंद, ओके। ये क्लियर होगी बातें। इनकी मृत्यु जो हो गई थी 1796 विक्रमी में नादिरशाही सेना के सिपाहियों के द्वारा घनानंद की हत्या कर दी गई थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है जो है आठवां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि किस साहित्यकार ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है? किस साहित्यकार ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है? किस साहित्यकार ने कहा भाई कामायनी को छायावाद का उपनिषद? किसने कहा, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। किस ऊपर मतलब कि साहित्यकार ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। देखिए भाई किसने कहा है, तो कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किस विद्वान ने कहा, तो पंडित शांति प्रिय द्विवेदी जी ने कामायनी को छायावाद का क्या कहा, उपनिषद कहा, यह बात ध्यान रखेंगे। क्लियर होगी बातें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। कभी कभी एग्जाम से प्रश्न पूछे कि प्रसाद जी की प्रथम रचना कब और कहां पर से प्रकाशित हुई, तो भारतेंदु पत्र में प्रकाशित हुई थी, कहां से, बनारस से, ओके। कब, तो 1906 ईस्वी में, ओके। प्रसाद जी की प्रथम जो है पुस्तक का रचना के बारे में बात की जाए तो अभिमान्यता प्राप्त है तो किसको, उर्वशी को प्राप्त है। और खास करके बात की जाए हिंदी साहित्य के अभिनव युग का आरंभिक इतिहास किसे कहा जाता है, चित्राधार को कहा जाता है, ओके। ये क्लियर होगी बातें, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष नौवां नंबर, आधुनिक मीरा किसको कहा जाता है, तो आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा की उपाधि दी जाती है। किसको, जो है आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। बृहत्त्रयी में कौन कौन शामिल हैं, तो बृहत्त्रयी में प्रसाद पंद्रियाला शामिल हैं। और छायावाद के चार स्तंभ में कौन शामिल हैं, छायावाद के चार स्तंभों की बात की जाए तो प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा जी का नाम आता है, ओके। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अगला प्रश्न है नागार्जुन के किन्हीं पांच कविता संग्रहों के नाम बताइए। नागार्जुन के किन्हीं पांच कविता संग्रहों के नाम बताइए, ठीक, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। प्रश्न क्या है भाई, प्रश्न आपके समक्ष है कि जो है नागार्जुन के किन्हीं पांच कविता संग्रहों के नाम बताइए, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नागार्जुन के बारे में आपसे प्रश्न पूछ रहा है, नागार्जुन को बाबा भी कहा जाता है, ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। नागार्जुन का नाम क्या भाई, बाबा भी है। इनको यात्री के नाम से भी जाना जाता है, इनको अर्जुन कहा भी जाता है, इनको नागा भी कहा जाता है, इनको जो है ठक्कन मिश्र के नाम से भी जाना जाता है और बैजनाथ मिश्रा, तो इनके कई नाम भी हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ओके। नागार्जुन का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो जन्म हुआ था इनका दरभंगा बिहार के तरौनी नामक गांव में 1911 ईस्वी में हुआ था, ये बात ध्यान रखेंगे। नागार्जुन को पत्रहीन नग्न गाछ काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आप प्रश्न क्या पूछा गया कि नागार्जुन की किन्हीं पांच कविता संग्रहों के नाम बताइए, तो पहला लिखिएगा युगधारा, दूसरी कौन सी कविता संग्रह, सतरंगे पंखों वाली, तीसरी कौन सी लिख सकते हो आप, प्यासी पथराई आंखें, चौथी लिख सकते हो आप तालाब की मछलियां, पांचवी लिख सकते हो चंदना, छठवीं लिख सकते हो आप कौन सी भाई, खिचड़ी पिपल्लो हमने देखा या फिर देखा हमने, और सातवीं लिख सकते हो आप, वैसे पांचवी पूछी गई थी और भी लिख लीजिएगा तुमने कहा था, आठवीं आप लिख सकते हो पुरानी ज्योतियों का कोरस, और उसके बाद में नौवीं आप लिख सकते हो कौन सी, हजार हजार बाहों वाली, दसवीं कविता संग्रह लिख सकते हो पका है ये कटहल, ग्यारहवीं रचना लिख सकते हो अपने खेत में, और बारहवीं रचना कौन सी लिख सकते हो आप, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, ये तमाम सारी रचनाएं हैं इनकी जो कि कविता संग्रह है। उपन्यास की बात की है इनकी, तो उपन्यास भी हैं जैसे कि रत्नाथ की चाची, बाबा बटेरनाथ, और दुख मोचन, बल चन्मा, वरुण के बेटे, नई पौधे, सब इनके उपन्यास हैं, ये सब आप ध्यान रखेंगे। और खंड काव्य भस्मांकुर और भूमिजा, मैथिली भाषा में भूमिजा लिखा गया है, तो ये खंड काव्य है इनके, किसके, नागार्जुन के। अगला आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर,
यहाँ से आपको लघु उत्तरीय में प्रवेश करते हैं। लघु उत्तरीय से केवल 5 प्रश्न आपको करने हैं, 8 प्रश्न मतलब कि 6 प्रश्न मतलब कि आपको दिए जाएंगे लघु उत्तरीय टाइप के, और 2 प्रश्न आपको व्याख्या करने के लिए दिए जाएंगे, उनमें से 2 में प्रत्येक का अथवा करके दिया होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। खंड भाग की बात की तो लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक प्रश्न का उत्तर आपको 200 शब्दों में लिखना होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपके समक्ष है कि हिंदी साहित्य में शोध का क्या महत्व है, शोध के अंगों का उल्लेख कीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। शोध के बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, वैसे आपको फिर से बता दूं, शोध का शब्द का अंग्रेजी का मतलब होता है रिसर्च, और रिसर्च के पर्याय के रूप में बात की जाए तो जो है शोध का मतलब होता है, और शोध का मतलब कि जो रिसर्च होता है उसका मतलब होता है क्या कि नए उद्देश्यों को प्राप्त करना, ये बात ध्यान रखेंगे। एक व्यक्ति हैं आचार्य विमल मोहन वर्मा, वो कहते हैं कि शोध नए तथ्यों की खोज ही नहीं उसकी तर्कसंगत व्याख्या करता है, ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो हम कैसे कह सकते हैं भाई कि किसी विषय मतलब कि विषय विशेष के बारे में बोधपूर्ण तथ्यान्वेषण एवं यथासंभव प्रभुत सामग्री संकलित कर सूक्ष्मतर विश्लेषण विवेचन और नए तथ्यों नए सिद्धांतों के उद्घाटन की प्रक्रिया अथवा कार्य क्या कहलाती है, शोध कहलाती है। शोध के कई जो है क्या है भाई, कई महत्व हैं, बात की जाए महत्व की इसकी तो पहला महत्व आप लिख सकते हो शोध जो होती है जिज्ञासा मूलक प्रवृत्ति की संतुष्टि करता है, दूसरी बात कि ज्ञान के उन्नायक में सहायता प्रदान करता है, तीसरा इसका महत्व ये है कि शोध सामाजिक विकास में सहायता प्रदान करता है, चौथा महत्व है कि शोध से व्यक्तित्व का बौद्धिक विकास होता है, पांचवी विशेषता बता सकते हो आपकी शोध पूर्वाग्रहों के निदान और निवारण में सहायक होता है, छठी विशेषता बता सकते हो शोध ज्ञान के विविध पक्षों में गहनता और सूक्ष्मता प्रदान करता है, सातवीं विशेषता बता सकते हो कौन सी शोध अनेक नवीन कार्यों विधियों और उत्पादों को विकसित करता है, आठवीं विशेषता आप बता सकते हो कि शोध से व्यवहारिक समस्याओं का समाधान होता है, ये चीज़ हो गई आपकी शोध के महत्व के बारे में मैंने आपको समझा दिया। अगला प्रश्न आपके समक्ष तीसरा नंबर, धूमिल के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। धूमिल का नाम पूरा क्या है भाई, सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल पूरा नाम है इनका, ये बात ध्यान रखेंगे। इनका जन्म 9 नवंबर 1936 ईस्वी को वाराणसी के खेवली में हुआ, खेवली को पांडेपुर के नाम से भी जाना जाता है, वहीं पर इनका जन्म हुआ। धूमिल के माता जी का नाम श्रीमती रजवंती देवी और पिताजी का नाम शिवनायक पांडे था। धूमिल की पहली जो प्रथम काव्य कृति है उसका नाम क्या है, संसद से सड़क तक, जो कि 1972 में प्रकाशन में आई, और धूमिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कल सुनना मुझे कविता संग्रह पर मिला 1979 ईस्वी में, यही बात आप ध्यान रखेंगे। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे और सुदामा प्रसाद पांडे का प्रजातंत्र, ये जो है रचनाएं इनकी हैं बड़ी फेमस ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। 1975 ईस्वी में संसद से सड़क तक के रचना के लिए इनको मुक्तिबोध पुरस्कार जो है मिला था धूमिल जी को, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इनकी मृत्यु 10 फरवरी 1975 ईस्वी को ही हो गई थी, ओके, तो ये बात थी जो कि हमने आपको बता दी धूमिल जी के बारे में, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, ओके। आगे समझते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष है चौथा नंबर प्रश्न की, धर्मवीर भारती के काव्य की कला पक्षी विशेषताएं बताइए। क्या प्रश्न है, धर्मवीर भारती के काव्य की कला पक्षी विशेषताएं बताइए। धर्मवीर भारती जी के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है। धर्मवीर भारती का जन्म 1926 में ईस्वी में हुआ था और पद्मश्री इनको मिली थी 1972 ईस्वी में, और खास करके बात की जाए तो धर्मवीर भारती की शिक्षा इलाहाबाद में संपन्न हुई थी। गुनाहों का देवता इनका बड़ा फेमस उपन्यास है, ओके, ये सब आप ध्यान रखेंगे। और इनके काव्य संग्रहों में आपका ठंडा लोहा, अंधायुग, कनुप्रिया, सात गीत वर्ष, ये धर्मवीर भारती के काव्य संग्रह हैं। धर्मवीर भारती के उपन्यासों की बात की जाए तो गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा बड़े फेमस उपन्यास हैं, और नदी मतलब कि प्यासी थी और नीली झील, ये इनका एकांकी और नाटक संग्रह हैं। और नाटक कौन सा, नदी प्यासी थी नाटक है, और एकांकी कौन सी है, नीली झील, ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। धर्मवीर भारती के कहानी संग्रहों की बात की जाए तो चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, मुर्दे का गांव, ये सब है, ओके, ये बात ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत की बात। निबंध संग्रहों की बात की जाए तो ठेले पर हिमालय, पसंती, कहनी अनकहनी, तो ये सब धर्मवीर भारती के निबंध हैं, निश्चित तौर पर आपकी समझ में आ गई होगी बातें। और धर्मवीर भारती जी का देहांत कब हो गया था भाई, तो 4 सितंबर 1997 ईस्वी को इनका देहांत हो गया था धर्मवीर भारती जी का, ये बात की होगी आपकी। प्रश्न क्या पूछा गया है कि धर्मवीर भारती की कला पक्षी विशेषताएं बताइए। धर्मवीर भारती जिस दौर से गुजर रहे थे, लिखेंगे आप क्या लिखेंगे कि धर्मवीर भारती जिस दौर से गुजर रहे थे वह प्रयोगों का दौर था, नए नए उपमान, नई काव्य शैलियाँ, भाषा की नवीनता इस युग की प्रमुख विशेषताएं थी। भारती जी भी इन प्रवृत्तियों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके, और जो धर्मवीर भारती थे
वो और सांझ के बादल कविता में नवीन उपमानों का प्रयोग जो है करते हुए लिखा। क्या कहा कि ये अनजान नदी की नावें जादू के सिपाल उड़ाती आती मंथर चाल, नीलम पर किरणों की सांझी एक नडोरी एक नवाझी फिर भी लाद निरंतर लाती सुंदर स्वरी सिंदूर और प्रवाल। तो इनके काव्य में हिंदी साहित्य की शैली सभी शैलियाँ आप देखेंगे तो प्रयुक्त हुई हैं। आवश्यकता अनुरूप भावात्मक समीक्षात्मक वर्णात्मक और व्यंगात्मक चित्रात्मक और आपकी सूत्रात्मकता इन सभी तमाम प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया गया है। भाषा मिश्रित है और भाव की अनुगामिनी है। संस्कृत उर्दू अंग्रेजी और फारसी शब्दों से युक्त परमार्जित खड़ी बोली आपकी जो है काव्य भाषा रही है धर्मवीर भारती जी की। तो ये सब चीज़ें ओके आप इनके काला पक्ष में ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है पाँचवा नंबर, मुक्तिबोध के फैंटेंसी पर प्रकार डालिए। क्या मुक्तिबोध के फैंटेंसी पर प्रकार डालिए, बड़ा ही अच्छा प्रश्न एग्जाम से आ सकता है ओके। प्रश्न क्या है मुक्तिबोध की फैंटेंसी पर, तो मुक्तिबोध की बात की जाए तो मुक्तिबोध मुक्तिबोध जो है मुक्तिबोध की बात की जाए तो चांद का मुंह टेढ़ा है बड़ी फेमस जो है रचना है, ये इसी की रचना है गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है ओके। ये बात क्लियर हो गई। प्रश्न क्या है मुक्तिबोध की फैंटेंसी पर प्रकार डालिए। फैंटेंसी तो बात की जाए फैंटेंसी की तो मुक्तिबोध ने जिस फैंटेंसी को अपने प्रमुख कार्य काव्य शिल्प के रूप में प्रयुक्त किया है वह रहस्य से घिरी हुई यथार्थ आधारित फैंटेंसी है और उनकी फैंटेंसी में यथार्थ इस प्रकार खुल मिल गया है कि उसे अलग करना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त उनकी फैंटेंसी स्वोद्देश्य है, वह काल्पनिक लोक में हमें भटका नहीं देती है वरन भयानक सत्यों से हमारा परिचय कराती है और कहीं ना कहीं हमें आहत करती है। भ्रष्ट व्यवस्था पर प्रहार करने के अतिरिक्त वह समाज के सड़े गले रूप को भी प्रस्तुत करती है। मूल्यहीनता और आत्मनिर्वसन की स्थिति को भी मुक्तिबोध फैंटेंसी के माध्यम से सफलतापूर्वक व्यक्त करते हैं। ये कई चीज़ें फैंटेंसी को लेकर के इनके ओके चर्चा करेंगे ओके। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न छठवां नंबर प्रश्न देखेंगे, कबीर की भाषा पर संक्षिप्त प्रकार डालिए। तो कबीर की भाषा की बात की जाए प्रश्न क्या है कबीर की भाषा पर संक्षिप्त पॉइंट लिखिए, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कबीर की बात की है तो कबीर की भाषा कैसी भाई, कबीर की भाषा सधुकड़ी है पंचमिल खिचड़ी है जिसको आप कहते हैं। तो कबीर की प्रश्न क्या है भाई, प्रश्न क्या है कबीर की भाषा पर संक्षिप्त प्रकार डालिए। कबीर की भाषा पर संक्षिप्त प्रकार डालिए, देखते हैं भाई कैसे आप डाल सकते हैं प्रकाश इस पर। कबीर की भाषा की बात की है तो एक व्यक्ति हैं डॉक्टर पारसनाथ तिवारी जी, और डॉक्टर पारसनाथ तिवारी कहते हैं कि कबीर की भाषा भी क्या कहते हैं डॉक्टर जो है पारसनाथ तिवारी कि कबीर की भाषा भी कहने के लिए जो है उजडड गवई गवारू चाहे जो कुछ भी कह ली जाए उसकी अभिव्यक्ति के छलकते सौंदर्य पर बड़े बड़े नागर और परिस जो है परिष्कृत कवियों की भाषा निछावर की जा सकती है, ये डॉक्टर पारसनाथ तिवारी ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने कबीर की भाषा को पंचमी सधुकड़ी कहा है। वास्तव में उन्होंने भाषा और काव्य कला पर विशेष ध्यान नहीं दिया, वे अंतर मन की प्रेरणा के वशीभूत हो कर्म जो है कभी कर्म करते थे, इसलिए उनकी वाणी को सुसंगठित संस्कृतनिष्ठ भाषा की उतनी आवश्यकता न थी जितनी अनूठे भावों की अद्भुत उत्प्रेरणा शक्ति की। कबीर की रचनाओं में लगभग आधा दर्जन भाषाओं के शब्द उपलब्ध होते हैं और पंडित परशुराम चतुर्वेदी कबीर काव्य में विभिन्न भाषाओं के उदाहरण अधोलिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं। अवधी भाषा में बात की जाए तो इनकी जो रचनाएं हैं अवधी भाषा में लिखा इन्होंने कि जस तू तस तो ही न कोई जान कोई न जान और तैसे नाचत मैं दुख पावा, ये सब जो है अवधी भाषा की रचनाएँ हैं ओके। और ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा कि जो है अपनायो आपन ही बिसरायो और लिहो भीम बहुत पछताओ पछताओ लालच लागो कर जो है कर हकनी, ये तमाम प्रकार की बातें जो कि हमने आपको बताई। भोजपुरी की बात की जाए तो भोजपुरी में जैसे कि दांत जो है गैल मोर पान खात और केस गैल मोर गंग नहात, ये भोजपुरी में है। खड़ी बोली की बात की जाए तो यह मन चंचल चोर है मन है शुद्ध उगार, पंजाबी में जो है लूण जो है बिलग्गा पानिया पाणी लून बिलाग, राजस्थानी में क्या जानो उस पीक को कैसे सहसी रख, तो ये तमाम ये भाषा जो है इन सभी की कबीर की है। आगे देखते हैं भाई
सातवां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, नई कविता की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। नई कविता की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश हमने आपको पहले ही डाल रखा है, आप लोगों ने देखा होगा, इन सभी के बारे में हमने ऑलरेडी पहले से बता दिया है। वैसे नई कविता की बात की है, नई कविता के प्रमुख कवियों में नाम सच्चिदानंद हीरानंद वासन, अज्ञेय गजानन माधव मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, वीरेंद्र कुमार जैन, भवानी प्रसाद मिश्रा, धर्मवीर भारती, ये सब आते हैं जो है नई कविता की जो है विशेष मतलब कि नई कविता के कवि हैं। नई कविता की विशेषताओं की बात की जाए, विशेषताओं में क्या लिख सकते हैं आप, विशेषताओं में क्या लिख सकते हैं भाई आप, विशेषताओं में नई कविता की विशेषताओं में आप क्या लिखेंगे, पहली विशेषता लिख दीजिएगा आधुनिक भावबोध, दूसरी विशेषता क्षणवाद में आस्था, तीसरी विशेषता क्या है भाई लघु मानव की प्रतिष्ठा, और चौथी बात इसमें लिख सकते हैं सामान्य विषयों का चयन, पांचवी बात लिख सकते हो आप अनास्था का स्वर, छठवीं बात लिख सकते हो लोकोन्मुखता, सातवीं बात आप लिख सकते हो क्या जो है अभिव्यक्ति शक्ति, और आठवीं बात लिख सकते हो प्रतीकात्मक एवं खंडित बिंब योजना। ओके, तमाम सारी चीज़ें आप बता सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है जो है दीर्घ उत्तरीय का, केवल दो प्रश्न यहाँ से करने हैं और चार प्रश्न आपको दिए जाएंगे खंडसा में, और 500 शब्दों में एक प्रश्न के उत्तर आपको लिखना होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न के उत्तर के लिए अगर आप करेंगे तो 10 नंबर आपको मिलेंगे। प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न कि द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। इस प्रश्न का उत्तर ऑलरेडी हमने शुरुआत में ही बता दिया है, आप लोगों ने देखा होगा। अगला प्रश्न दूसरा नंबर, राम भक्ति शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाले, तो इसको भी हमने शुरुआत में बता दिया, दो प्रश्न तो हमने आपको बता ही दिए पहले से ही। अगला प्रश्न तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे, तीसरा नंबर प्रश्न आपके समक्ष क्या है, तीसरा नंबर प्रश्न है कि विद्यापति का श्रृंगार भक्त का है विलासी कवि का नहीं, इस कथन की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है, विद्यापति का श्रृंगार भक्त का है विलासी का कवि का नहीं, इस कथन की विवेचना कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न देखेंगे, चौथा नंबर प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र देशभक्ति मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र देशभक्ति देश प्रेम का उल्लेख कीजिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के। आगे अगला प्रश्न आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, प्रश्न क्या है कि संवाद के क्षेत्र में केशोदास निश्चय ही शीर्ष पर हैं पर बैठने के अधिकारी हैं, क्या कि संवाद के क्षेत्र में केशोदास निश्चय ही शीर्ष पर बैठने के अधिकारी हैं, इस कथन को समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कथन था, आप लोगों ने देखा होगा, संस्कृत का भी जल्दी आपके समझ देने का प्रयास करूंगा, तो आप लोग इस वीडियो को भी देख लीजिएगा। वहीं हिंदी का एक मॉडल पेपर ये पढ़ा हो इसको देख लीजिएगा, एक लिखित मॉडल पेपर पढ़ा हो उसको, और एक उससे पहले सबसे ज़्यादा 2,05,000 के आसपास मतलब कि 2,50,000 वीडियो मतलब कि व्यूज़ हैं उस पर, तो वो वीडियो भी अच्छी खासी मात्रा में आप लोगों ने प्यार दुलार दिया, तो उसको भी देख लीजिएगा, वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, सभी लोग कमेंट सेक्शन में जहन लिखेंगे, वीडियो में बातचीत मत करिए मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल बातचीत मत करो, बहुत ज़्यादा गुस्सा लगती है, ओके बात ध्यान रखेंगे। तो हिंदी साहित्य की बात किया तो हिंदी साहित्य का ये पेपर भी देख लीजिएगा, लिखित पेपर ये भी है, लिखित ये भी है, और ऑब्जेक्टिव वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ओके ये बात ध्यान रखेंगे। और कॉपी कैसे लिखें बीए में, इसको लेकर के एक वीडियो हमने सेपरेटली बना दी है, तो ये इसको जरूर देख लीजिएगा। 2022 में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें जो है एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि सारे के सारे चीज़ें यहाँ पर दिखाई पड़ रही होंगी, तो इन सभी वीडियो को देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे वीडियो। ओके चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।